हेलो तो वेलकम बैक फ्रेंड। आज हम फिर से एक और न्यू एनिमी लेकर आ गए हैं जो हमारी कहानी है वाला मेन कैरेक्टर होता है। वह अपनी दुनिया से सच में काफ़ी डिसअपॉइंटेड होता है। इकलौता एलियन सब कुछ अकेला काम करने की ट्राई करता है लेकिन वह एक दिन मारा जाता है। लेकिन गॉडेस होती हैं, इन गॉडेस ऑफ नेचर वो उसको दूसरे वर्ल्ड में उसको एक और न्यू मौका देना चाहते हैं। लेकिन असल में तो वह जो बच्चा उनको दिया गया होता है इसलिए कि उनके ऊपर जो अभिशाप है एक कष्ट होता है उस बच्चे को सेक्रीफाइस करके वह अपने कर्ज को हटा सकते हैं और अपने नॉर्मल एक गॉड बन सकते हैं दोबारा से, जिनके ऊपर अभी एक अनडाइड बन चुकी होती है एक अफसाब की वजह से। लेकिन वो उस बच्चे को सेक्रीफाइस करने के बजाय उसको पालते हैं और आखिरकार उसको बड़ा करते हैं, एक वॉरियर बनाते हैं और तीनों लोग मिलकर उसको काफ़ी अच्छी लेजेंडरी पावर सिखा देते हैं बचपन में ही। लेकिन एक दिन उनका जो अंत होता है भी आ जाता है, मतलब उनको वो जो अनडाइड का अफसाब होता है जिसने दिया होता है वह बंदा वो नौ की सोल को लेने आया होता है बिकॉज उन लोगों ने उस बच्चे को मतलब सेक्रीफाइस नहीं किया होता है, इसीलिए अब उनका अंत आने वाला होता है। तो हमारा मेन करेक्टर होता है वो उस बंदे से भी यानी असली ईविल गॉड होता है उससे फाइट करता है, अपने पेरेंट्स को बचाता है और उसके बाद वह उस वर्ल्ड को भी पूरी तरह से उस सारे डीमन से भी बचाने के लिए उस ईविल गॉड होते हैं उसके सारे आर्मी को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। उस खत्म क्या होता है वो तो हम आगे जानेंगे ना, सब स्पॉइलर नहीं दे दूंगा तो फिर आप देखोगे क्या, मज़ा नहीं आएगा देखने में। तो चलो इस सीरीज को हम अब कंटिन्यू करने वाले हैं। कहानी शुरू होती है एक बंदे विलियम नाम का जो कि पानी के अंदर गिर चुका होता है और अब वह मारा जाने वाला होता है, सोचता है उसकी लाइफ एंड हो गई। लेकिन अचानक से वह रिबॉर्न होता है और देखता है उसके चारों तरफ कुछ मॉन्स्टर टाइप तीन लोग होते हैं। सोचता है कि शायद वे लोग उसे खाने वाले हैं लेकिन वे लोग उसकी अच्छे से केयर करते हैं, उसको बड़ा करते हैं। 6 महीने बीत चुके होते हैं और गॉडेस ऑफ अर्थ होती हैं जो कि उसको इस वर्ल्ड में लेकर आई होती हैं, वह उसको बाहर की दुनिया दिखाती हैं और कहती हैं सन तुमको एक नया चांस मिला इस वर्ल्ड में दोबारा से जीने के लिए, अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए। इस तरह से उसकी ट्रेनिंग होती स्टार्ट हो चुकी होती है, बस 3 साल का हो चुका होता है, जहाँ पर एक गस जो कि एक काफ़ी ज़्यादा लेजेंडरी स्पेल्स होती है उसको सिखा रहा होता है जिससे कि वह सबसे कम एज का लेजेंडरी हीरो बन सकेगा। इधर दिखाया था ब्लड एक बंदा जो कि उसको मतलब काफ़ी सारी स्वॉर्डमैनशिप की पावरफुल स्किल्स होती हैं वह सिखा रहा होता है, ट्रेनिंग करा रहा होता है। वे लोग उसके ऐसे ख्याल रख रहे होते हैं जैसे कि पेरेंट्स, ब्लड उसके एक पेरेंट्स की तरह ही होता है यानी फादर की तरह होता है, इतना ख्याल रखता है। लेकिन उसको पता होता है वे लोग काफ़ी सारे सीक्रेट्स उसे छुपा रहे हैं, लेकिन उसका भी एक सीक्रेट जो कि वह खुद भी छुपा रहा होता है उसकी अपनी पुरानी लाइफ की बहुत सारी यादें उसको आ गई होती हैं वापस, इसलिए वह सब लोगों के अपनी सीक्रेट्स होती हैं सोच लेता है। ये तो उसकी जब ट्रेनिंग चल रही होती है तो ब्लड देखता है वह 8 साल का हो चुका होता है, ब्लड उसकी ट्रेनिंग करा रहा होता है तो वहाँ पर वह बाटर स्पेल यूज करता है जिससे कि ब्लड नीचे गिर जाता है और एक वह बेब्स मतलब स्पाइडर बेब से उसको पकड़ने लगता है। लेकिन ब्लड स्पीड से आता है और उसके ऊपर स्वार्ड से अटैक कर देता है जिससे कि वह बंदा हार जाता है। वह कहता है इस तरह से अपने आप को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होने दो जिससे कि तुम हार का सामना कर सकते हो। यहाँ पर और भी लोग मिलते हैं और वह लोग भी उसकी ट्रेनिंग करा रहे होते हैं और वह कहते हैं कि आगे चल के हम लोग अपनी जो सीक्रेट है तुमको जरूर बता देंगे जब तुम थोड़े ओल्ड हो जाओगे। लेकिन तभी देखता है मेरी जो गॉडेस है वह उसको एक ब्रेड लेकर आ रही होती है, लेकिन उसे कभी नहीं पता चलता कि वह किस तरह से ब्रेड को बनाती है, प्रोसेस में से छुपाती है। रात में सभी लोग जब सो चुके होते हैं तो वह जाता है टेम्पल के अंदर जहाँ पर आज सारे सीक्रेट जानना चाहता है। लेकिन सामने नजर जाती तो मेरी बहुत सारी ब्लू फ्लेम्स में कवर होती है कि शायद वह मरने वाली है। वे पहले की लाइफ में अपने पेरेंट्स पहले ही खो चुका होता है इसलिए नहीं चाहता है कि इस वर्ल्ड में भी उसके पेरेंट्स चले जाएं या ख्याल रखने वाले लोग चले जाएं, इसीलिए उसको बचाने की ट्राई करता है। लेकिन उसके हाथ ही उस प्रोसेस में जल जाते हैं जिससे ऐसे वह वहीं अनकॉन्शियस हो जाता है। जब उसे होश आता है तो मेरी उसके बेड के पास बैठ कहीं पर रो रही होती है और कहती है अगर तुमने ऐसा क्यों किया, ये मेरी गलती है कि मैंने तुमको ब्रेड बनाने का प्रोसेस नहीं बताया जिससे तुम इतने ज़्यादा सस्पिशियस थे और तुमने मुझे बचाने की ट्राई की। लेकिन तभी ब्लड कहता है कि सच में वैसे हमने तुमसे पहले ही कह दिया था कि तुम जब थोड़ा ओल्ड हो जाओगे तो हम तुमको सारे सीक्रेट बता देंगे, लेकिन फिर तुमने ये सब किया। लेकिन मैं सच में काफ़ी आश्चर्यचकित हूँ कि तुमने अपनी लाइफ की भी परवाह नहीं की मेरी को बचाने के लिए और अपने आप को हर्ट कर लिया। लेकिन गस जो कि थोड़ी फ्रेंडली तौर पर बात करता है और बताता है कि चलो मैं तुम्हें थोड़ा बताता हूँ सच्चाई, हम तीन लोग ही गॉड्स हैं जो कि मैरी है गॉडेस ऑफ नेचर है। हम तीनों लोगों ने यानी गॉडेस बताने स्टार्ट कर दी कि हम तीनों लोगों ने गॉड ऑफ एरेगनेट के साथ में ये कॉन्टैक्ट साइन किया जो कि गॉड ऑफ डेथ या फिर गॉड ऑफ अनडाइड्स है। लेकिन उसके साथ में कॉन्टैक्ट के बाद में हमारी जो गॉडेस के जो ब्लेसिंग्स मिलती थी या गॉडेस से जो गाइडेंस मिलती थी वो सारी खत्म हो चुकी है और इस तरह से हम लोग यहाँ पर अनडाइड के तौर पर यहाँ पर रह रहे हैं। और एक सीधा कहें तो वह अपनी बॉडी को जो उसका उसे कल प्रोसेस दिखाता है वो उसका डेली का प्रोसेस है, उसके बाद उसको ब्रेड भी मतलब प्रोड्यूस कराती है खाने के लिए। वह कहता है सच में वह काफ़ी इमोशनल होते हुए कहता है कि वह ये सब करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वह भी इस प्रोसेस में उसके साथ शामिल होना चाहता है और गॉड को प्रे करना चाहता है उसके साथ में। गॉडेस होती है मैरी उसको मान जाती है करने के लिए। इस तरह से 5 साल बीत चुके होते हैं, अपनी पावर अपने अंदर की स्पिरिचुअल पावर होती है उसको बढ़ाने के लिए वह डेली ट्रेनिंग करता है। 5 साल ट्रेनिंग पूरे होने के बाद गॉडेस मैरी उसके पास आकर कहती हैं तुम्हारी ट्रेनिंग इस तरह से आगे बढ़ रही है इसीलिए मैं आज को तुमको जो तुम्हारी फेवरेट्स खाना है सब कुछ खिलाने वाली हूँ बनाने वाली हूँ। इधर उधर गस जो कि उसकी ट्रेनिंग करा रहा होता है और अब 13 साल का हो चुका होता है और उसको सारी मैजिक्स के बारे में इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है,
इधर ब्लेड ने भी अपनी स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग होती है थोड़ी इंटेंस कर दी होती है, उसकी डिफिकल्टीज बढ़ा दी गई होती हैं। यहाँ पर कि अब 13 साल को हो चुका होता है, इसीलिए उसकी डिफिकल्टी अकॉर्डिंग उसको एक डीमन गोल का सामना कराने के लिए अब तैयार होता है, जिसको देखकर वह डर जाता है और सोचता है कि शायद क्या वह सच में कर पाएगा। जैसे वह डीमन गोल उस पर अटैक करता है, वह अपनी सीट से उसे ब्लॉक करके उस पर स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिससे वह डस्ट में एकदम टर्न हो जाता है। तो ये देखकर ब्लड कहता है, मतलब ये काफ़ी अधिक क्विकली ये सब कर पा रहा है, तो मतलब तुम्हारे लिए ये सब बेकार, इसी तुम्हें न्यू ट्रेनिंग के लिए ले चलते हैं। अब एक सिटी में उसको लेकर आए हो तो इसके अंदर एक केव टाइप होती है, उसके अंदर चले जाते हैं, जिसके बारे में बताता है ये जगह है भाई अभी तो एक खंडर तौर पर बन चुकी है, एक डंजन टाइप, लेकिन पहले ये घर के तौर पर माना जाती थी, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन एक अपोकलिप्स आने की वजह से सारे लोग थे वह गोल्स में डीमंस में चेंज हो गए। और वह उससे कहता है अभी तुम्हें यहाँ पर सर्वाइव करना होगा और यहाँ से सर्वाइव करके वापस आना है बिना मरे हुए। और लाइन टेन को वहीं फेंक देता है, अचानक डस्ट में एकदम गायब सा हो जाता है। वह भी अपनी एल्यूमिनेटेड स्पेल यूज करके अपनी लाइट को अबोगिन करता है और अपने सील से देखने लगता है, जहाँ पर दो उसके सामने सेम वैसे ही गोल डीमंस आने लगे होते हैं। अपनी स्वॉर्ड लगा के उन्हें डस्ट में बदल देता है और थोड़ा आगे जाता है तो उसे पता चलता है एक ई रैंक मॉन्स्टर भी यानी डीमन उसके सामने खड़ा होता है। ई रैंक थोड़ा से स्पेशल होते हैं, बिकॉज ई रैंक के होने की वजह से अपनी मैजिक स्पेल भी यूज कर पाते हैं। वह अपने डर को थोड़ा काबू में करके सामने जाता है और अपनी साइलेंट स्पेल यूज करता है, जिससे कि डीमन कोई भी स्पेल ना फट पाए, और जाकर अपने स्वॉर्ड से उसके हेड पर अटैक कर देता है, और जिसके उसका हेड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन उसकी स्वॉर्ड भी इस अटैक के दौरान डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, जिस पर उसे इतना ज्यादा भरोसा होता है। लेकिन उस ई रैंक डीमन के होने की वजह से उसके पास से उसे एक स्पीयर मिलता है, एक गिफ्ट के तौर पर जैसे कि मिलते हैं, एक ड्रॉप बोल सकते हैं। आगे तरफ अपनी जर्नी कंटिन्यू रखता है तो एक जगह से उसको काफ़ी सारी स्मोक आ रही होती है, जो कि मैजिकल मिस्ट होती है। लेकिन सामने गौर से देखता पता चलता है सामने गस खड़ा होता है, वो उससे बात करने की ट्राई करता है तो पता चलता है सामने जो बंदा खड़ा है वो उसकी तरह दिख रहा है, उसकी जैसा ही है, लेकिन वो उसके लिए नहीं बोल रहा है, बिल्कुल साइलेंट। अचानक से एक स्पेल यूज करता है, इस वहाँ पर एक स्टोन गोलेम समन हो जाता है और उस पर अटैक कर देता है, जिससे सरप्राइज अटैक की वजह से फिर भी डॉच कर लेता है, और थोड़ा डॉच करने के बाद अचानक से उस पर अटैक कर देता है स्पीयर से उसके पेट में, जिससे कि वह गोलेम खत्म हो जाता है। वह थोड़ी चेन की सांस ही लेता है, लेकिन अचानक से उसके ऊपर स्टोन का अटैक आकर लगता है, जिसे वह डॉच करता है। इस तरह से कई सारे अटैक आने लगे होते हैं, गस का कोई प्लान नहीं होता रुकने का, उसके ऊपर स्पाइडर पेप्सी भी अटैक करता है। वह अपने को डॉच करने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन स्पेल्स की तो बारिश हो रही होती है, वह कोई नहीं रुकता है। एक स्टोन उस पर हिट होता है, इससे नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी गस नहीं रुक रहा होता है, इतनी क्रुएल्टी के बाद भी वह उसे डॉच कर रहा होता है। स्पीड से वह एक मौका देखता है और अटैक कर देता है गस के पेट पर, लेकिन थोड़ी सी कुछ इंच दूरी रुक जाता है और गस को देखने लगता है और कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं अपने ग्रैंडफा टाइप या फिर कहते हो ग्रैंडपा को बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर सकता हूँ या कुछ भी हो जाओ। रोने लगता है और कह दे रही, आप मुझे मारना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे एक क्विक डेथ दे देना, जिससे कि मैं जल्द से एकदम खत्म हो जाऊँ, लेकिन मैं फिर भी आपको हर्ट नहीं कर सकता, मेरी ग्रैंडपा है। ये बात सुनकर वे एकदम इमोशनल हो जाते हैं, एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, और वे कहते हैं, ओह चिंता मत करो, मैं कुछ ऐसा नहीं, मैं शायद थोड़ा ज़्यादा आगे चला गया, मतलब थोड़ा इंटेंस हो गया, लेकिन फिर भी ये सब एक टेस्ट की तरह ही था। लेकिन इसके बारे में मैरी और ब्लड को बिल्कुल ही मत बताना, ये हमारे बीच में एक सीक्रेट रहेगा, ठीक है, मैं बस तुमको एक टेस्ट देना चाहता था, मैं तुम्हें ट्रेनिंग करवाना चाहता था। ये बात सुनकर बेबी थोड़ा शॉक्ड होता है, थोड़ा खुश होकर विद्रोह वहाँ से निकल जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो गस और दोनों बैठे होते हैं, लेकिन इस बार उसने अपना पूरा वादा रखा होता है और अपने किसी को इसके बारे में नहीं बताया होता है। नेक्स्ट डे बेल अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, जिसके पास में अब स्वॉर्ड नेवल के एक स्पीयर होता है, जो कि उसको पहले डंजन से मिला होता है यानी उसी केव से, जहाँ पर उस पर एक स्पेल भी लिखी हुई होती है, जो कि गस ने लिखी होती है शायद, और स्पेल को भी यूज मतलब ठीक से पढ़ता है और यूज करता है, तो उसके स्पीयर के साइज में अपने अकॉर्डिंग घटा या बढ़ा सकता है। सारे लोग इसे उसके देख रहे होते हैं किस तरह ट्रेनिंग है। इस तरह से वह डेली उस केव में भी जाना स्टार्ट कर चुका होता है अपनी ट्रेनिंग के लिए। गस कहता है, मतलब गस के पास जब ट्रेनिंग के लिए जाता है तो गस कहता है आज उसकी ट्रेनिंग है वो थोड़ी हटकर होने वाली है, इसलिए वो लेकर आ जाता है और कहता है कि अपने तुम्हें गोल्ड कॉइन की या फिर गोल्डन सिटी को ढूंढना होगा। नेक्स्ट में जब आया होता है तो उसके पास में काफ़ी सारे सिल्वर कॉइन्स होते हैं, और वे कहते हैं आज हम लोग की एक गेम खेलने वाले हैं, जो कि एक कैसीनो टाइप एक गेम होता है, जहाँ पर कि वे कहते हैं हम लोग तुम्हारे साथ में ही खेलने वाले हैं। लेकिन बेल कहता है नहीं, ये सब ठीक नहीं। गस कहता है क्या तुम्हें हमसे डर मतलब हारने से डर लगता है, तो वह कहता है ठीक है। तीन लोग वहाँ पर गेम खेलने के बैठ जाते हैं, लेकिन अचानक से वहाँ मैरी आ जाती है और कहती चल क्या रहा यहाँ पर, और तीनों को ही बहुत स्क्रॉल करती है, तीनों वहीं घुटनों को बैठ जाते हैं उसकी डांट को सुनकर। ये तस्वीर उनकी गेम तो बंद। देखा जाता है गस होता है अपने चैम्बर में, उसको लेकर गया होता है और उसको कुछ बताता है कि तुम्हारा 15th बर्थडे जल्दी आने वाला है, जिस दौरान तुमको ब्लड है चैलेंज करने वाला है। वेल कहता है मैं पूरा बैच दूंगा जिससे कि मैं उसे जीत सकूं, लेकिन गस कहता नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम उस गेम के दौरान हार मान लो, इन्हें हार जाओ। वे कहते लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं, तो गस कुछ जवाब नहीं देता और कुछ सीक्रेट्स होते हैं। वेल कहता है नहीं, मैं इस बात को आपको नहीं मानूंगा यदि आप कुछ नहीं बताना वाले हैं, अपने सीक्रेट्स अपने पास रख रहे हैं, इसीलिए मैं अपना पूरा बैच देने वाला हूं ब्लड के खिलाफ। और ये कहकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट वीक जब खड़ा होता है, जिसके पास में ब्लड और मैरी आती है, और वह
कहते हैं तुम जस्ट में काफी अच्छा करते जा रहे हो, क्योंकि बताते हैं कि तुम्हारा तुमको भी जल्दी मतलब गार्डियंस ऑफ गार्ड तुम्हें चूज किया जा सकता है, फिर चूजन होने वाले हो तुम, इसलिए तुम उसके लिए प्रिपेयर हो या फिर तुम इसके लिए बनना चाहते हो, ये सब तुम पर ही डिपेंड करता है। मैं कहता हूं लेकिन हाँ मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो बताता है ब्लड की उसमें आ रही जो कि फायर ऑफ गॉड है, और जो मेरी है मैं नेचर ऑफ गॉड है। तो वह कहता है लेकिन गस उसके बारे में क्या, वह मैजिक यूज करना चाहता है, वह किस तरह का गॉड है। तो बताती है वह एक गॉड ऑफ विंड है जो कि एकदम केयर फ्री और एकदम नॉर्मल और एंजॉयबल लाइफ जीना पसंद करता है। फिर कहता है ये काफ़ी अलग है। मैं कहता हाँ बिल्कुल, लेकिन अब तुमको गार्डियन बनना है या फिर नहीं ये तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। हम लोगों ने तुमको ट्रेनिंग की है दी है, लेकिन फिर भी तुम्हें चूज करना है ये तुम पर डिपेंड करता है। जल्दी ये चूजन भी होने वाला है। नेक्स्ट वो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और दिन बीतते जा रहे होते हैं, जहाँ पर कि उसके पास में ब्लड आता है और कहता है तुम्हारी ट्रेनिंग काफ़ी होगी, चलो आज हम थोड़ा एंजॉय करते हैं। ये कहकर उसे थोड़ी ड्रिंक देता है और कहता हम एडल्ट टाइप थोड़ी ड्रिंक वगैरह करते हैं, पर नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी दोनों ड्रिंक करना स्टार्ट करते हैं और वह काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और ड्रंक हो जाते हैं। मैं कहता हम लोग अभी एक टीनेजर्स की तरह ही एंजॉय करने वाले हैं, आ जाओ मैं तुमको कुछ अलग टीनेजर्स टाइप मतलब सीन भी दिखाने वाला हूँ। यानी वह मतलब जो मेरी रूम है जहाँ पर वो क्लोज चेंज करते टाइम उसको थोड़ा छुपकर देखने की बात कर रहा होता है, वो काफ़ी ड्रंक हो चुकी होती है आखिरकार ना के बजाय हाँ कह ही देता है। वे जब देख रहे होते हैं तो अचानक से जब आसानी से देखने ही वाले होते हैं, जब अपने क्लोज निकालने वाली होती है उससे पहले ही बैल अंदर की तरफ गिर जाता है, तो ये तो अपने आप को कवर कर लेती है। और वे कहते हैं कि आखिर वह मतलब कहती आगे बोलूँ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो वह बता देता है जैसे जैसे भी एकदम स्लैप मारती है और बैल की हालत ख़राब। नेक्स्ट डे जब वह जागता है तो उसके चेहरे पर एक अच्छा मार्क होता है, लेकिन उसे पता चलता है उसका बेड जो है वो नीचे साइड में थोड़ा गीला हो गया, इसीलिए बाहर आ जाता है अपने सारे जो भी प्रूफ्स होते हैं उनको धोने लगता है, जिससे कि किसी को कुछ ना पता चल जाए। बिकॉज रात में बहुत कुछ देखने वाला था लेकिन मौका खो चुका था। जिसके पास में ब्लड आता और हंसने लगता और कहता वो लगता है तुम्हारे साथ में ये सब पहली बार हुआ है, उसका मजाक बनाता है। तो बैल फैसला करता है कि ब्लड की ऐसी किसी और भी एडवाइस को नहीं लेने वाला है। नेक्स्ट वह अपनी स्वाड की ट्रेनिंग कर रहा होता और वह दिन भी आ गया होता जिस दिन ब्लड उसको चैलेंज करने वाला होता, जिसके लिए मैरी होती है उसको पूरा प्रिपेयर करती है उसको आर्मर पहना का। जैसे वह ब्लड से सामना करना चाहता है तो ब्लड कहता है यहाँ पर हम बिल्कुल भी मैं होल्ड बैक नहीं करने वाला हूँ, इसलिए तुम हार मान लो या फिर प्रिपेयर हो जाओ फुल पावर के साथ में फाइट करने को। वह अपनी स्वाड लेकर अटैक कर देता है, ब्लड ब्लॉक करता और काफ़ी सारे अटैक करता है जिससे कि अपनी सील से ब्लॉक करने लगा होता है। वह काफ़ी सारे अटैक के बाद पीछे तरफ चला जाता है और सोचता है कि उसको कुछ देखना होगा, एक डैगर फेंक देता है और एक डिस्ट्रैक्ट अटैक के साथ में फिर स्वाट से भी जंप करके अटैक कर देता है। लेकिन ब्लड जो कि पहले से इस मूव के साथ में काफ़ी कंपेटिटिव होता है, ड्रैगर को साइड में करता है, उसको डिफ्लेक्ट कर देता है उसकी स्वाट को। बस सोचता है कि उसको एक न्यू मतलब एक पूरा एक फुल्ली उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करना होगा, उसके पास यही मौका होगा ब्लड को हराने के लिए। तैयार हो जाता है एक मूव के साथ में और डायरेक्ट जाकर हिट से अटैक कर देता है। जैसे ही ब्लड उस पर अटैक करता है तो अपनी स्वाट से मतलब अपनी सील से उसके अटैक को नीचे डिफ्लेक्ट करता है, उसके ऊपर जंप करके उसके ऊपर अपने फायर ब्लॉक के साथ में स्वाट से अटैक कर देता है। लेकिन वह फेल्ड रहता है क्योंकि जो ब्लड होता है अपनी जो स्केलेटन्स होते हैं उसमें उसकी स्वाड को फंसा देता है और उसको पीछे तरफ फेंक देता है और अपनी स्वाड से ऊपर अटैक करते हुए कहता है सरेंडर करने के लिए। और यहाँ पर बैल होता है हार चुका होता है, लेकिन मेरी कहती है किस तरह से उसने चीप ट्रिक को यूज किया था मतलब बैल को हराने के लिए। भाई कहता ओ ये बोर है, मैंने पहले से तुम्हें बता दिया था इस बैल के दौरान कुछ भी होगा, लेकिन फिर भी वो दोनों बहस कर लगते हैं चिट चैट काफ़ी अच्छी। बस ठीक है तुम्हारी अभी चाइल्ड डिस्प्ले तो हो गया ना, लेकिन ब्लड कहता है वो लगभग वह यानी बैल मुझको हराने वाला था इसीलिए मैं उसको गिफ्ट में ही स्वाड देना चाहता हूँ जो कि उसकी एक डेमोनिक स्वाड होती है। वह कहते हैं इस स्वाड से तुम एक गॉड को भी हरा सकते हो जो कि ह्यूमन फॉर्म में इस वर्ल्ड में आया हो उसके लिए। इसके साथ में तुम काफ़ी सारे लोगों के साथ में एक बार में फाइट कर सकते हो, यहाँ तक कि उन सारे लोगों की जो सोल फोर्स होती है फिर पावर से उनको ये ऑब्जर्व करके जिसको यूज कर रहा होता है उसके अंदर दे देती है। लेकिन तुम इस स्वाड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज ना करना वही अच्छा है, क्योंकि इसके जैसे तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी वह धीरे धीरे करके ड्राई हो जाएगी और तुम भी एक गोल बदल सकते हो, इसीलिए उसको जरूरत पड़ने पर ही यूज करना। और फिर आखिरकार अब वह भी मोमेंट आ चुका होता है जब अपने पास्ट के बारे में और अपने सारे सीक्रेट्स के बारे में बता रहे होते हैं। वे बताते हैं उस टाइम की बात है जब डीमन लॉर्ड ने बॉर स्टार्ट कर दी थी, एंड डीमन लॉर्ड जो कि सब में वर्ल्ड में कब्जा करना चाहता था, सबको डिस्ट्रॉय करना चाहता था, उसके साथ में किंग ऑफ अंडाइड्स का था वह भी अटैक कर चुका था, जिसकी वजह से सब में केवल तबाही मच रही थी। डीमन लॉर्ड था थोड़ा डरा हुआ था इस चीज़ के लिए, इसीलिए उसने अपने सारे मैजिकल वेपन्स डेमोनिक वेपन्स जो कि इसमें बॉर्ड के दौरान यूज किए जा रहे थे सब पर उसने कब्जा करना ट्राई कर दिया, और यहाँ तक कि सारे ह्यूमंस थे उनको वह गोल्स में बदल दिया, यहाँ तक कि सारे जो क्रीचर्स थे समुद्र में या सभी तरफ के क्रीचर उन सबको उसने गोल में बदलना स्टार्ट कर दिया और तब फाइट करने की मतलब स्टार्ट कर दी, जिससे कि उसने सिटीज को सेकंडों में डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसके बाद में हम तीनों लोग ब्लड गैस गस और मैरी तीन लोगों ने फैसला लिया उस डीमन लॉर्ड को रोकने के लिए, हमने फाइट करना स्टार्ट किया। लेकिन इस तरह से हमने काफ़ी सारे जो वेपन्स थे या फिर कई जो डेमोनिक ब्लेड है वह भी हमने उसी चुराने में या छीनने में कामयाबी हासिल की जिससे हम फाइट कर सकें, बिकॉज वह काफ़ी कमजोर पड़ रहे थे उनके खिलाफ। लेकिन मैरी बताना स्टार्ट करती है फिर भी हम डीमन को हराने में काफ़ी कमजोर पड़ रहे थे। इसके बाद में डीमन लॉर्ड था उसने अपने आप को चेंज कर दिया
और एक बहुत बड़े एक टाइटन टाइप में, और जो कि काफ़ी पावरफुल था। हमारी सारी पावर्स थी, हमारे ऑफेंसिव वेपन्स थे, हमारे डेपोनिक वेपन्स थे, सारे उसके सामने बेकार रह रहे थे, यानी हम बिल्कुल ही हारने वाले थे। इसलिए हम तीनों ने फैसला किया हम तीन लोग अपनी पावर को कंबाइन करके अटैक करेंगे। लेकिन तब उनके सामने आया स्टैग्नेट, जो कि ईविल गॉड कह सकते हैं, सबसे बड़ा ईविल गॉड होता है। और उससे उसने मतलब उन्होंने पिस देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने उसने कहा कि तुम उस डीमन लॉर्ड को मारना चाहते हो, फिर पावरफुल बनना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हारी इस पूरे टाउन को एक गोल्स का टाउन बनाना होगा, जिसमें कि सभी लोग गोल्स होंगे और जो कि इनफिनिटी तक जीते रहेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा मतलब उस डीमन लॉर्ड को हराने के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल गोल्स तुम तीनों होगे, जो कि उन सभी गोल्स पर नर रहोगे, यानी गॉड टाइप कह सकते हैं उन सभी गोल्स का। और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिकॉज उनको डीमन लॉर्ड को हराना होगा और इतनी एक टाउन सक्सेसफाइज तो पहले ही हो चुका है, और ह्यूमिनिटी को बचाने के लिए फैसला करते हैं और खुद को भी गोल में बदल लेते हैं, और जिसकी वजह से उन्होंने डीमन लॉर्ड को हरा दिया। लेकिन आज वह इस चीज़ से गोल्स बदल चुके हैं। लेकिन उन सभी को उद्देश्य एक और भी था, एक चाइल्ड जो कि एक प्योर सोल होगी, उसको सेक्रीफाइस करके वे लोग यहाँ से आज़ाद हो सकते हैं और यहाँ से दोबारे से वापस जा सकते हैं इस दुनिया से। लेकिन जब ऐसा हुआ, वे उस सेक्रीफाइस करने वाले थे, तो गस ने कहा कि नहीं, हम लोग उसको इस बच्चे को राइज करने वाले हैं, जो कि बेल है। और सभी लोगों ने उस बच्चे को बड़ा किया, ना कि उसे सेक्रीफाइस किया। इसीलिए बेल ये सब स्टोरी सुनता है तो काफ़ी इमोशनल हो जाता, तो बेल माफ़ी मांगता और कहता मुझे माफ़ करना, ये सब मेरी वजह से देखने को मिल रहा है। लेकिन वो उससे कुछ ना कहने के लिए कहते हैं, कहता है मतलब मेरा उद्देश्य है जो भी बचे हुए लोग हैं उन सभी को सेफ करना, इन मतलब अब तक जो लाइफ जी रहे हैं। अचानक से वहाँ पर स्टैग्नेट आ जाता है, और जो कि एक डेमोनिक मतलब ईविल बीस्ट होता है, इसलिए उसका प्रेस इतना ज़्यादा होता है कि बेल के लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा होता है। अचानक से वहाँ पर एक स्टोन आकर गिरता है, जो कि कोई और नहीं गस होता, और भाई स्टैग्नेट के साथ में फाइट के लिए तैयार होता है, अपने डेमोनिक एनर्जी के साथ में फाइट के लिए तैयार होता है, और कहता तुम लोगों की अब सोल को मेरे साथ ले जाने का टाइम आ गया और तुम्हारा मरने का टाइम आ गया हीरोज। लेकिन वो उसके ऊपर चेन से बांध कर उसके ऊपर बहुत बड़े टोर्नामेंट से अटैक कर देता है गस। जैसे टोर्नामेंट साफ होता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा होता है, और तय कहता है तो हम लोगों को अभी प्रिपेयर हो जाना चाहिए, और अब तुम्हारी बारी है बेल, तुम्हें आगे अपने आप को देखना होगा। मैं माफ़ी मांगता और कहता प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि मेरी वजह से ये सारी चीज़ें आप सबको देखने को मिल रही हैं। लेकिन वे कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। अचानक से गस के ऊपर एक ब्लैक एनर्जी से अटैक होता है और गस वहीं पर खत्म हो जाता है। यही सेम अटैक मैरी के ऊपर और ब्लड के ऊपर भी होता है, जिससे वहीं पर वह नीचे की तरफ गिर जाते हैं। स्टैग्नेट नीचे आते हुए कहता है कि सच में इस ओल्ड गीजर के सच में लगा था कि वह एक ईविल गॉड को हरा सकता है एक ह्यूमन फॉर्म में होने के बाद। उसको गर्दन से पकड़ता और उसको दूसरी तरफ फेंक देता है कि बाद में उसे मारूंगा मैं। लेकिन तभी सामने तरफ बढ़ने लगता और कहता है बेल से, सच में ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, मतलब तुम्हारी वजह से मुझे एक चांस मिला है इन सभी लोगों की सोच को दोबारा वापस ले आने के लिए। मतलब यदि बचपन में ही उसको सेक्रीफाइस कर देते तो ये दिन नेक्रो को नहीं मिलता, उसका मतलब ये होता है। मैं उसकी तरफ जाने लगता उन सभी लोगों को पीछे छोड़ती और कहता है चलो तो क्यों ना हम तुमसे पहले एक डील कर लें, बिकॉज मैं इन सबको तो ले जाने वाला ही हूँ। यदि तुम मेरी आर्मी में आकर ज्वाइन कर लेती हो तो मैं इन सभी को यहाँ पर जाने दूंगा, मतलब नहीं मारूंगा। अभी इस सब के लिए मैं तुम्हें एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, लेकिन उसके बाद में तुम्हें फैसला देना होगा। मैं वहीं पर घुटनों के बल बैठ जाता और सोच रहा होता सच में ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है। मैं चला जाता और कहता कल हम मिलेंगे, ध्यान रखना, तुम्हारे फैसले का वेट करूँगा। इधर दिखाया था अपने तीनों जो पेरेंट्स होते हैं उनको लेकर आ गया होता है टेम्पल के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा ही अंदर से टूट चुका होता है। उसके पेरेंट्स उसके सामने जो कि मर रहे हैं, लेकिन मैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता भाई, एक यूजलेस के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं फिर रोने लगा होता, फिर से माफ़ी मांग रहा होता अपने पेरेंट्स की, उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट जब उसकी आंखें खुलती हैं तो तीनों लोग होते हैं वो उसको तरफ ही देख रहे होते हैं और काफ़ी हैप्पीली उसे ग्रीट करते हैं। लेकिन वह फिर से माफ़ी मांगने लगता है तो ब्लड कहता है इस तरह से माफ़ी मांगना बंद करो, आज तुम्हारा बर्थडे है तो इसीलिए तुम्हें खुश हो जाना चाहिए, आज तुम एक मैच्योर मैन बन चुकी हो। सभी लोग उसको बर्थडे की बधाई दे रहे होते हैं और उसको आगे बढ़ने के लिए कह रहे होते हैं। मैरी कहती है हाँ बिल्कुल, आज से तुम अपनी जो लाइफ है खुद जीना स्टार्ट करोगे। लेकिन फिर भी वह काफ़ी उदास होता है और अपने बारे में बताना स्टार्ट करता है कि उसके उसके पास्ट के वर्ल्ड के बारे में उसकी मेमोरी सामने आ गई, उसके बारे में याद है वह किस तरह की यूजलेस चाइल्ड था, उसके पेरेंट्स को वह नहीं बचा पाए पिछली बार, इस टाइम भी सेम वही हो रहा है, अपने पेरेंट्स को नहीं बचा पा रहा है भाई, यूजलेस के अलावा कुछ भी नहीं है, कर रोने लगता है। लेकिन तभी मैरी होती है उसको एक स्लैप मारती हुई कहती है आखिर तुम्हें क्या कह रहे हो, तुम कोई यूजलेस नहीं है, ना कि तुम इस तरह से टूटी हो, तुम खुद को संभालना होगा, तुम एक ग्रोन मैन हो और तुम काफ़ी यदि पावरफुली बन चुकी हो, तुमको खुद को बस संभाल कर आगे तरफ बढ़ना होगा, अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करना होगा। उसका इतना अच्छा भाषा सुनकर भी एकदम अचानक से खड़ा हो जाता है लाइक ए सोल्जर और कहता है अपने फेथ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करने के लिए भी तैयार है। वो लोग काफ़ी खुश होते हैं इस तरह से उसको आगे देखकर। फिर गॉड्स के पास में प्रे करने जाता और निकल पड़ता है अपनी फाइट के लिए। नेक्स्ट और आ जाता है स्टैग्नेट से मिलने के लिए, जहाँ पर उसके सामने जब खड़ा होता है वह कहता है तो आखिर तुम्हारा बताओ क्या प्लान है, कहता है मरना पसंद करेगा तुम्हारी आर्मी ज्वाइन करने से। तो वह कहता है ताली जाती बहुत अच्छे, हंड्रेड्स ऑफ डेमन सोल्जर्स को गोल्ड सोल्जर बुला लेता है, उस पर अटैक करता है अपने मैजिक से और स्वॉर्ड मैन से खत्म करने लगता है। तो इससे स्टैग्नेट काफ़ी इंप्रेस्ड होता है और कहता सच में तुम काफ़ी पावरफुल हो या मुझे इंप्रेस्ड कर दी, इसलिए मैं तुमको ये कौन मैं मौका देना चाहता हूँ मेरी आर्मी में शामिल लेने के लिए। ये कहकर अपने ब्लड को एक
पाउल में पोर करता है और कहता है, ये लो इसको ड्रिंक करो, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, हम लोग मिलकर इस वर्ल्ड को पूरी तरह से कॉन्कर कर लेंगे और एकदम इन्फिनिट लाइफ जिएंगे। लेकिन वो उसके पास जाकर उसके कप को छूने वाला होता है, उससे पहले अपनी डेमोनिक स्वॉर्ड निकाल कर उसका अटैक करता है। एक बार दोबारा फिर से अटैक करता है उसके हाथ काटने के बाद, जिससे उसकी पावर्स होती हैं वे बेल के अंदर आ जाती हैं। जब फाइनल ब्लो मारने वाला होता है, उससे पहले ही वह अपनी ब्लड को ट्रांसफॉर्म करके एक स्नेक में वहीं पर बेल को गिरा देता है। उसके बाद में उसके पॉइजनस अटैक के साथ उस पर अटैक करवा देता है बेल के ऊपर, और जिस स्नेक के वेनम की वजह से वह अचानक से कोमा में चला जाता है। लेकिन जब अपने आप को देखता है तो उसकी जो सोल होती है यानी रिफ्लेक्शन होता है, एक जगह बॉर्डर की एक झील में होता है। अचानक उसकी नज़र जाती है जहाँ पर एक गॉडेस खड़े होते हैं, जिसको वह पहचान लेता है, जो कि गॉडेस ऑफ लाइट होती हैं, जिसको वह तुरंत ही ग्रीट करता है, जो कि होते हैं ग्रेसफील, और जिनसे वह पहले भी मिल चुका होता है। मतलब जब उसका जन्म हुआ था, रिबॉर्न हुआ था, तो गॉडेस ऑफ लाइट थी, उन्होंने उसको एक रास्ता दिखाया था जिसको उसको जन्म हुआ था। वो उससे पूछती आखिर उसने इंटेग्रेट का जो ऑफर था उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, उसके पास में पावर और रुतबा सब कुछ होता। लेकिन वह कहता है बेसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसका जन्म जिसलिए हुआ है एंड उसके पेरेंट्स के लिए, जिसको प्रोटेक्ट करना चाहता है और यहाँ तक कि ह्यूमिटी की रक्षा करना चाहता है। यदि वह ऐसा करता तो आगे चल के जो गोल्स बन रहे हैं लोग उनकी मतलब और भी गिनती बढ़ती जाती, सारे लोग मर जाते। वह बस ह्यूमिटी को प्रोटेक्ट करना चाहता है, जो लोग भी बचे हैं उनके लिए। ये बस उनका ग्रेस फील काफ़ी देरी एकदम टच फील करती हैं और कहती हैं, सच में तुम वर्दी हो मेरी पावर्स को लेने के लिए, इसीलिए आज से मैं तुम्हारी गार्डियन हूँ। और भी उसको अपनी पावर दे देती हैं, और तभी अचानक से होश आता है तो अपनी स्नेक वेनम को फेंक देता है, जिसके बाद वहीं पर प्रे करने लगा होता है, जिसे देखकर इग्नाइटेड कहता है, तो मतलब ये तो सच में कितना ज़्यादा पोलाइटली निकला, मतलब कितना आसानी से भी इतना सरेंडर कर रहा है। लेकिन अचानक उसके चारों तरफ काफ़ी सारे ब्लू फ्लेम्स देखती हैं, जिसकी वजह से मतलब समझ जाते हैं कि ग्रेस फील की जो पावर्स है उसको अंदर आ चुकी हैं, और जो कि मेरी की रिक्वेस्ट या फिर उसकी प्रे की वजह से हो रहा होता है। जिसे देख के इंटेग्रेट सोचता है वो ग्रेस फील की इसके ऊपर दया मिल चुकी है या फिर काइंडनेस मिल चुकी है, इसलिए बिल्कुल उस पर काइंडनेस दिखाएगा और अटैक करने के लिए कहता है सारे सोल्जर से। लेकिन उसके पास जो डेमोनिक स्वॉर्ड होती है ब्लड की दी हुई, उसके अटैक की एक अटैक की वजह से और ग्रेस फील की जो पावर्स होती है उनकी वजह से एक ही अटैक से सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसे देखकर इंटेग्रेट होता है थोड़ा पीछे तरफ हट जाता है, जैसे वह अटैक करने जाता है हवा में चले जाता है, उस पर ब्लास्ट भी कर देता है। लेकिन उस ब्लास्ट के बाद आसपास में देखता है तो उसे कुछ भी वहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा होता है। वह कहता है कि इंटेग्रेट गया कहाँ पर। पीछे से एक हाथ आता है जो कि ग्रेस फील का होता है और वह एक इशारा करती है चर्च की तरफ यानी टेम्पल की तरफ, और वह समझ जाता है मतलब इंटरनेट वे बस उसे डिस्ट्रैक्ट करके यहाँ से भाग चुका है और उसके पेरेंट्स की सोल को ले जाना चाहता है। ये कहकर बहुत ज़्यादा स्पीड की पावर यूज करके पहुँच जाता है टेंपल की तरफ, सोच रहा होता है उन्हें कुछ ना हुआ हो। टेंपल में जैसे एंट्री लेता है तो उसके सामने देखता है कि ग्रेस को इंटरनेट ने पहले पकड़ रखा होता है, मेरी और ब्लड का बारी होती है, तो स्पीड से अगर जंप कर देता है उसे पता होता है कि वे इतने ज़्यादा फास्ट नहीं है कि उनको बचा पाए, फिर भी ट्राई तो करेगा ही। अचानक से ही जब उसके करीब पहुँचने से काफ़ी दूर होता है तो लाइट चमकती है गॉडेस मेडनेट की और वह सामने आकर उस पर एक हिट करती है, जिसकी वजह से इंटेग्रेट दूर गिरता है, जो कि मतलब गॉडेस ऑफ मैग्नेट मेडनेक होती हैं। जिसे देखकर मैरी होती है एकदम आंसू निकल आए होते हैं, उनकी जो प्रे होती है मैरी की अब तक की एक्सेप्ट हो चुकी होती है, और वह समझ जाता है मैरी जो कि हमेशा ही प्रे करती रहती थी गॉडेस के लिए, बिकॉज उसने एक ईविल के साथ में कॉन्टैक्ट बनाया था, इसीलिए अपनी सारी अनप्योरीफाइड एनर्जी थी उसको प्यूरीफायर द्वारा प्यूरीफाई कर रही थी, इसलिए रिक्वेस्ट कर रही थी गॉडेस से भी उन्हें माफ़ करने के लिए, और जो भी उन्होंने किया उसके लिए माफ़ी मांगती थी, इसलिए खुद को इतनी ज़्यादा पीड़ा भी दिया करती थी खुद को प्यूरीफाई करने के लिए। इसलिए उसके सामने गॉडेस ऑफ मैग्नेट होती हैं, वे आ चुकी होती हैं और उसकी जो प्रे होती है अब तक ही एक्सेप्ट कर ली गई होती है। लेकिन इन सबके बीच में मौका मिल जाता है बेल को भी इंटरनेट को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, इसलिए मैजिकल पावर के साथ में अटैक कर देता है ब्लड और मैरी के ऊपर। लेकिन अचानक से बीच में आ जाता है इंटेग्रेट उनको उस अटैक को रोकने के लिए, लेकिन ये सब देर हो चुकी होती है कि ये सब उसका प्लान था। ब्लड तभी पीछे से अटैक कर देता है उसके ऊपर एक डेडली अटैक, और तभी पीछे से इधर से जाकर अटैक कर देता है बेल उसको अपनी डेमोनिक स्वॉर्ड के साथ में, जिस स्वॉर्ड के साथ वह काफ़ी सारे स्लेसेस उसके ऊपर मार रहा होता है, जिसकी वजह से वह खुद भी पावरफुल होता जा रहा होता है। इतने सारे अटैक के बाद में भी एक स्वॉर्ड उसके पेट में यानी उसके हार्ट में भी मार देता है, जिसकी वजह से वहीं पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है मैजिक का ओवर पावर होने की वजह से, और आखिरकार उसको वह गुड बाय कहता है और कहता है हेल में जाकर वह अपनी लाइफ को फुल्ली एंजॉय करे। इसके साथ में सारे कॉन्टैक्ट होते हैं जो भी उसने गॉड्स या किसी के साथ बनाए होते हैं अब टूट चुके होते हैं, और जिसके साथ में उसके पेरेंट्स या फिर कह सकते हैं ब्लड और मैरी आती हैं और काफ़ी हैप्पी लेकर उसको हक करती हैं और उसे कॉन्ग्रेचुलेसन करती हैं और कहती हैं काफ़ी अच्छा है ना। लेकिन बताओ यहाँ पर गैस आता है और कहता है कि हमारे पास में कुछ पीजी ग्रेप्स जूस या फिर कहीं वाइन है जो कि मैं लेकर आऊँगा, जो कि उन्हें बचा कर रखी है। लेकिन मैरी कहती है कि पिछली बार की तरह इतना ज़्यादा ड्रंक ना हो जाए जैसे कि उसने पिछली बार किया था, लेकिन इस बार भी उसका कुछ नहीं मतलब उसको नहीं छोड़ने वाली हैं। जब तीन लोग वहाँ से जाने की ट्राई करते हैं तो अचानक से वहीं पर गिर पड़ते हैं दोनों लोग, बिकॉज वह अब तक जो भी झेल चुके हैं या फिर जो पावरफुल फाइट की थी उसके वजह से पूरे से वीक हो चुके होते हैं। वह कहता है कि क्या हुआ, तो ब्लड बताता है हम लोगों ने जो ईविल गॉड के साथ में कॉन्टैक्ट बनाया था अब टूट चुका है, इसका मतलब हम लोग अब इन्फिनिट टाइम तक गोल की पावर यूज़ नहीं कर पाएंगे और इन्फिनिट टाइम तक नहीं जी पाएंगे। ये बस सुनकर वह काफ़ी शॉक्ड जाता है। वह कहते हैं
कि हमारी जो लाइफ है वह खत्म होने वाली है, मतलब हमारा टाइम आ चुका है, हमारी सोल है वह गॉडेस ऑफ लाइट के पास जाएगी, जिसके बाद हम दोबारा से हमारा भी रिबॉर्न होगा, ये एक रिसाइकल है। लेकिन वह काफ़ी रोने लगता है और कहता है सच में इतनी जल्दी हमें छोड़कर चली जाएंगी? तो मेरी कहती है यही तो एक रिसाइकल है, हमेशा अपने चाइल्ड से पहले उनको पेरेंट्स को छोड़कर जाना पड़ता है, ये एक निधि है यानी विधि है जिसको अकॉर्डिंग सब कुछ होता है। लेकिन वो सच में काफ़ी इमोशनल होता है और ब्लड कहता है कि वो और वुमन्स के साथ में एंजॉय करना, लेकिन मैरी कहती है नहीं, वह केवल एक वुमन को पसंद करना और एक वुमन से पूरी तरह से प्यार करना, उसी के साथ में रहना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना, कैसी मुसीबत आ जाए, कैसा भी टाइम आ जाए, लेकिन अपनी लव को हमेशा ही शो करना और पूरा केयर दिखाना और अपनी काइंडनेस के साथ में हर किसी को ट्रीट करना। और ये कहकर उसको हक कर लेती हैं और मतलब उनका अब टाइम आने वाला होता है, इसीलिए उनकी जो बातें चल रही होती हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसको भी उनकी जो कुछ मतलब मेमोरीज होती हैं या फिर कहें तो उनके जो असली रूप होते हैं दोनों लोगों के जो तक नहीं दिख रहे थे गोल के तौर पर भी दिखते हैं उसको। वहाँ पर गस भी आ जाता है जो कि उन लोगों को ड्रिंक करने के लिए कहता है और वहाँ पर हंस मजाक के साथ में वे लोग ड्रिंक करते हैं और काफ़ी ज़्यादा ही हैप्पीली अपने लास्ट पलों को बिताते हैं। और इसके साथ में उनके जो पेरेंट्स होते हैं यानी ब्लड और मैरी भी दोनों इस दुनिया को छोड़कर जा चुके होते हैं और जो कि गॉडेस ऑफ लाइट के पास उनकी सोल्स पहुँच जाती हैं। नेक्स्ट डे पर उनकी बॉडीज को बरी करता और लास्ट गुड बाय कहता है और कहता है कि आप लोगों ने जो भी मुझे मतलब आगे करने के लिए कहा है मैं सेम वैसे ही करने वाला हूँ, इस बल्ड को कंटिन्यू करने वाला हूँ, देखना जर्नी कंटिन्यू करने वाला हूँ। गस के पास आता और उसे पूछता है वैसे ईविल गॉड के साथ में तुम्हारा कॉन्टैक्ट टूटा था लेकिन तुम अभी जिंदा क्यों हो? तो मैं कहता आपको और मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड को देखना चाहता था। मैं कहता और वैसे क्या तुम मेरे सारे गोल्ड को लेना चाहते हो? मैं कहता अरे मैं मजाक कर रहा था, सारे गोल्ड और जो भी डायमंड्स ज्वेलरी जो भी अपने आप पूरी लाइफ में इकट्ठी की होती सारी उसे दे देता और कहता है मैंने गॉडेस ऑफ लाइट यानी कहें तो ग्रेस फील्ड के साथ में एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिस चील्ड को हम तक प्रोटेक्ट करते आए थे ईविल गॉड के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करके, जिससे कि ईविल गॉड दोबारा वापस ना आए। तो 10 साल बाद ये सब होने तक या ईविल गॉड को दोबारा पावर मिलेंगी तब तक मैं उस चील्ड को और भी ज़्यादा प्रोटेक्ट करने वाला हूँ, यही मेरा कॉन्ट्रैक्ट है ग्रेस फील्ड के साथ में, इसलिए मैं और यहीं पर रहने वाला हूँ। इधर कहते बेल तैयार हो जाता है वह अपनी जर्नी के लिए, न्यू जर्नी के लिए, और अपनी एडवेंचर पर निकल पड़ता है। गैस होता है जो कि उसको छोड़ने के लिए आया होता है बाहर तक और कहता अब वैसे तुमको एक अच्छा नाम भी रख लेना चाहिए, मतलब तुम अब बाहर जा रहे हो तो इसको सबको बता सको, इसलिए तुम्हारा नाम क्यों ना तुम्हारे पेरेंट्स के नाम पर होना चाहिए यानी मैरी ब्लड। मैं कहता है ओ सच में थोड़ा ज़्यादा नहीं या फिर हम बीच में से निकाले इस वजह से नाम? तो मैं कहता अरे नहीं ये सही नाम है। मैं कहता ठीक है और भाई इस बात को ध्यान रखिएगा। और गुड बाय कहता है उसे और अपनी जर्नी पर जाता है उसकी सारी लास्ट यादों के साथ में। मैं कहता हमेशा अपने पेरेंट्स को वह अच्छी यादों के तौर पर याद रखिएगा। नहीं जब जा रहा होता है तो काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स वगैरह मरे मिल रहे होते हैं और इस तरह से भी एक विलेज के पास पहुंच चुका होता है एक टाउन के पास में जो कि सिमिलरली स्थिति में होता है जहां पर वह भी रहा करता था। यहां पर एक काफ़ी बड़ा होल होता है जिसमें कि शायद हम कह सकते हैं बहुत बड़ा ब्लास्ट यहां पोर हुई होती है। यहां पर जाने के बाद वह गॉडेस ऑफ लाइट से प्रे करता है उन सभी मरे हुए लोगों की सोल्स को शांति दिलाने के लिए। आगे पढ़ता है तो उसे एक टूटा हुआ ब्रिज मिलता है जिसके बाद वहीं पर कैंप लगाकर रेस्ट करता है। नेक्स्ट डे फिर से निकल पड़ता है जर्नी पर जो कि जंगल में जा रहा होता है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल भी लग रहा होता है। अचानक से उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है तो अपने इस पर निकल कर तैयार हो जाता है लेकिन एक बॉल अचानक से उसके ऊपर जंप कर देता है, उस पर एक एरो भी लगा होता है तभी अचानक से ही बिना किसी सोचे समझे उस पर अटैक कर देता है जिससे बॉल वहीं पर खत्म हो जाता है। उसे चेक करने लगता है तो उस पर जो एरो होता है उसको पहले इंजर्ड कर चुका होता है उसे दिखाई देता है। अचानक उसके सामने से आ जाता है एक आर्चर जो कि काफ़ी सस्पिशियस लग रहा होता है जिसे वह देखता है और कहता है क्या करूं, मतलब शायद इसने ही उस एरो को मारा होगा, बिल्कुल सेम टू सेम है। लेकिन तभी अचानक से उसकी नज़र जाती है उसके वो पर जो एक क्रिस्टल लगा होता है उसको, मतलब समझ जाता है भाई एल्फ क्लैन से है, इसलिए अपने वेपन को वापस लेता है और उसको कुछ पंक्तियाँ सुनाता है जो कि एल्फ क्लैन की होती हैं यानी एक पोएम टाइप, जिसे सुनकर वह शॉक्ड रह जाता है और अपने आप को दिखाता है कि वह एक एल्फ है और उसके सामने आ जाता है और बताता है उस बॉर को उसने मारा है पहले इसीलिए वह बॉर उसका उसे दे दिया जाए। वेल सच में मैं उसे देना चाहता है लेकिन उसे याद आती है अपनी जो ट्रेनिंग वगैरह जो सिखाई गई थी एक मैनली तौर पर। वह कहता है नहीं उसने उसको फिनिश किया है इसीलिए वॉर उसका है। उसकी बात सुनकर एल्फ होता है उसे नेगोशिएट करने के लिए तैयार हो जाता है और वे लोग आपस में उस मीट को बांटने के लिए तैयार हो जाते हैं जिसमें कि शेयर और काफ़ी सारे मीट होता है हेड और जो मीट होता है इस तरह से भी एकदम बांट लेते हैं जो उनको पसंद हो और वे लोग साथ में बारबेक्यू करने के लिए तैयारी करने लगते हैं जहाँ पर कि बेल के पास में काफ़ी सारी मैजिक पावर्स होते हैं इसलिए फायर अवोकन करता है जगा लेता है जिसकी आर्चर के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है इसलिए उसको काफ़ी अच्छा एडवेंचर बुलाता है। वह मीट को पकाने लगे होते हैं लेकिन वह काफ़ी प्रे कर रहा होता है लेकिन सामने देखता आर्चर वो इतने ज़्यादा सस्पेंस मतलब रख नहीं पा रहा होता है इसलिए अपनी प्रे पूरी करता है और दोनों लोग मीट को एंजॉय करना स्टार्ट करते हैं बिल्कुल हैप्पीली बात करते हैं। वह पूछता है कि यहाँ पर वैसे आसपास में कोई विलेज है जो कि मतलब जा सकता है लेकिन वह उसको कोले लुक देते हुए कहता है मैं आखिर उसको जानता भी नहीं आखिर मैं क्यों होता हूँ लेकिन बता देता है कहाँ ठीक है उधर की साइड जाओगे तुम्हें एक विलेज मिल जाएगा। वह कहता है ठीक है लेकिन वैसे क्या वह उसके साथ में उसके घर पर रह सकता है लेकिन फिर से उसकी तरफ एक ओल्ड रुख देखते हुए कहता है अगर वह कौन जो उसको अपने साथ में रखे पहाड़ में जाओ तुम यहाँ से दफा हो जाओ। वह कहता है ठीक है मैं थोड़ा सेल्फिश ही था जो कि मैं तुमसे हेल्प मांग रहा था तुम्हारे साथ रहने के लिए कह रहा था।
फैल कहता है कि तुम हेल्प कर सकते हो थोड़ी इस जंगल में लाइट अप करने के लिए। वो उस तरफ कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम क्या कर रहे हो। फिर वो कुछ बर्ड कहता है जो किसी को समझ नहीं आती, अचानक से लाइट सी चमकने लगती है। वह कहता है ये सब फ्रिज की लाइट्स है इसीलिए, अब यहाँ से तुम जा सकते हो। मैं अपना पूरा नाम उसे चिल्ला कर कहता है और कहता है उसका नाम क्या। अभी उसे फिर से एक कोल्ड लुक देती हुई कहता है उसका नाम मैनर्ड है। वहाँ से चला जाता है और अपने तुम अपना रास्ता खुद ही ढूंढो। वहाँ पर कैंप लगाता है और रात में ही सोने लगता है। अचानक से एक गॉडेस ऑफ लाइट उसके सपनों में आती है और उसको कुछ मेमोरी दिखाती है एक विलेज के बारे में, जो विलेज पूरे से तबाह हो चुका होता है, जहाँ पर कि मैनर्ड होता है, इकलौता है बचा होता है उसको पूरा विलेज तबाह होने के बाद। इधर दिखाया जाता है वह वहाँ से निकल पड़ता है जल्दी स्पीड से, सब कुछ गड़बड़ ना हो। जो विलेज के पास में दो लोग होते हैं पहरेदारी पर होते हैं, अचानक से उनके ऊपर कुछ एरोस अटैक होता है जिनको आकर वे ब्लॉक कर लेता है और विलेजर से कहता है अभी कभी छुप जाओ यानी झुक जाओ बचने के लिए। वह कहता है आखिर ये कर कौन रहा है। अचानक से एरो पर नजर जाती है तो पहचान लेता है ये मैनर्ड कर रहा है और कोई नहीं, मैनर्ड जो कि ऊपर होता है और वह यहाँ पर एक विलन कह सकते हैं, विलन के तौर पर अटैक कर रहा होता है उसे मारने के लिए। लेकिन जैसे अटैक करता है दोबारा से वो ब्लॉक कर लेता है। सारे विलेजर्स होते हैं और सिग्नल दे देते हैं सभी विलेजर्स को बाहर आने के लिए रेनफोर्समेंट के तौर पर। सभी विलेजर्स आने तो देखकर वह भी फैसला करता है वहाँ से भागने के लिए, लेकिन बिल स्पीड का यूज करके उसके सामने पहुंच जाता है। तो अपने अर्थ की मैजिक यूज करता है मैनर्ड और उस पर अटैक करता है, लेकिन उसी टेक्निक को सेम रिवर्स कर देता है। अब एक बेसिक टेक्निक होती है तभी अपनी फिर इसके कहकर फायर से अटैक करवाता है जिसको भी ब्लॉक कर लेता है आसानी से ही। स्पीड से जाता है उसके ऊपर अटैक करने की और अपने पीछे की साइड से अटैक करते हैं स्पीड से, इसी पर ढेर कर देता है उसको मैजिक से। वहीं पर उन सभी लोगों को बांध लेता है जो उसके साथी भी होते हैं। सारे प्लेयर्स वहाँ पर आ चुके होते हैं उनको देखकर, जहाँ पर एक बंदा आता है और अपने बारे में इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है उसका नाम जॉन है और हम सभी विलेजर्स की हेल्प करने के लिए थैंक यू सो मच इतनी नाइट में भी हेल्प के लिए। अब उन सभी को लीडर कह सकते हैं। आ जाता है इसका नाम टॉम होता है, बताता है हम सभी लोग इतने ज़्यादा खतरे में थे, तुमने इतनी ज़्यादा हेल्प की उसके लिए शुक्रिया, और अभी हम लोगों को इन सभी लोगों के साथ में क्या करना चाहिए। सारे प्लेयर्स का केवल एक ही ज़्यादातर कहना होता है कि उनको हमें ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन वे कहते हैं वैसे तुमने इन्हें पकड़ा तो क्या तुमको सजेशन देना चाहोगे। तो वह कहता है हम लोग कल सुबह इनका फैसला करेंगे और इनसे ही हम पूछेंगे आखिर ये कैसे क्यों कर रहे थे। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है ओल्ड मैन पूछता है उन सभी लोगों से आखिर क्या तुम अपनी कोई सफाई देना चाहोगे, अगर तुमने ये सब कदम क्यों उठाया। सभी लोग भी कहते हैं लेकिन वे लोग जो बंदी थे वे कहते हैं हम लोगों का विलेज पूरा डेस्ट्रॉय हो गया था इसीलिए हम एक रिबेलियस तौर पर बन गए, हम लोगों के पास न सप्लाई थी न रहने के लिए कुछ था ना कुछ भी नहीं था। लेकिन मैनर्ड कहता है मैंने लोगों को ट्रिक किया था और इनको इस तरह से काम करने के लिए मजबूर कह सकते हैं या फिर धोखे से किया था, इसलिए तुम्हें कुछ सजा देनी है, मारना चाहते हो तो मुझको मार दो, इन सभी लोगों को तुम जाने दे सकते हो। लेकिन सारे लोग कहते हैं ये सब नहीं होगा, उन सबको ही मरना होगा, लेकिन टॉम अपना सभी लोगों को साथ कराता और कहता तुम लोग चुप रहो मैं आगे देखता हूँ। और वह सामने तक जाते हुए कहता मैनर्ड जिसने कि अपने ही विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी कुछ किया है, लेकिन फिर भी अपने विलेज को हम प्रोटेक्ट करने के लिए हमें लोगों के तरह से जाने भी नहीं दे सकते, इसलिए उन सभी लोगों को मारने का ऑर्डर देता है कि इन सभी लोगों को अपने विलेज की सेफ्टी के लिए मारना ही ठीक रहेगा। लेकिन ये सब चीज़ें होती हैं बिल्कुल पसंद नहीं आई होती हैं। वह कहता नहीं ये सब ठीक नहीं है और अपनी जो फाइनेंशियल तौर पर अपनी जो भी उसने सीखा होता है उसके अकॉर्डिंग सोचता है और कहता ठीक है मैं तुम लोगों के जो नुकसान हुआ है उन सबको कम्पनसेट करने के लिए तैयार हूँ जो भी तुम लोगों के लोगों ने नुकसान किया उसके लिए, लेकिन इन लोगों को तुम जाने दो। ओल्ड मैन टॉम पूछता है कि आखिर इन सभी क्रिमिनल्स को बचाना क्यों चाहता है। तो वह कहता है मैं सबसे ज्यादा हेट करता हूँ तो डीमन से, कोई भी ह्यूमन हो मैं उनको इतने से मरना नहीं जाने दे सकता और मेरे पास गॉडेस ऑफ लाइफ की ब्लेसिंग है इसीलिए हर लाइफ को मैं सेम मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैनर्ड मेरे आगे करके आगे मुझको लेकर जाए उन डीमंस अटैक वाली टाउन्स में जहाँ पर कि मैं जाकर उन सबको सेव कर सकूँ, डीमंस को खत्म कर सकूँ। सभी लोग मान जाते हैं और आगे जो विलेजर्स होते हैं सब अपने विलेज की तरफ चले जाते हैं वापस जहाँ पर वे रहा करते हैं। मैनर्ड वहाँ से बाय करके निकल पड़ता है अपने न्यू विलेज की तरफ जहाँ पर कि डीमंस का अटैक हो, लेकिन मैं बात करते हुए जा रहा होता है बताता है मैं वहाँ पर तुम्हें बस लेकर जाऊँगा यहाँ पर फाइट में शामिल होने के मैं पूरी तरह से नहीं कह सकता, मतलब मेरा काम तो वहाँ दिखाने का है। विलेजर रुक जाते हैं, अब रात हो चुकी होती है और यहीं पर खाना वगैरह बनाते हैं जहाँ पर कि जैसी पर्सनालिटी होती है मैनर्ड की वह काफ़ी ज़्यादा कोडली बात कर रहा होता है। उसके बाद उनका बिल कहता क्या उसने कुछ बुरा कर दिया तुम्हारे साथ में। वह कहते हैं कोई इसका फ्रेंड ही नहीं कोई बड़ी है जो कि उसके साथ में रहो यहाँ पर इतना कुछ अच्छा व्यक्ति मानता है उसे, इसलिए वहीं पर सो जाता है। वहीं सो जाता है आखिर क्या ही कर सकता है। नेक्स्ट डे वे पहुँच जाते हैं उस विलेज में जहाँ पर डीमंस का अटैक हुआ होता है जहाँ पर समय मिस्टी मिस्ट होती है। शाम तक जब पता चलता है काफ़ी सारे वहाँ पर डीमन भी हैं अभी भी, लेकिन वह मैप को चुरा लाया होता है जिस मैप के अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हैं और जाकर उन सभी डीमन से पहले अटैक करते हैं जो कि कुछ रिचुअल कर रहे होते हैं ह्यूमंस के ऊपर, जिन सभी को अटैक करता है और मतलब सब डिसइंटीग्रेट कर देता है अपनी मैजिक और स्ट्रेंथ पावर के साथ में उन सभी पावरफुल डीमन को ख़त्म कर देता है। उनको देखकर मैनल कहता है सच में तुम्हारी पावर काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल है, तुम आखिर कौन सा ट्रेनिंग रूटीन यूज करती हो। वह कहता है मैं बस ब्रेड ज़्यादा ब्रेड ही खाता हूँ कुछ नहीं। वह कहता है ठीक है यहाँ से चलते हैं। जब जाते हैं तो उसको एक बंदा मिलता है कुछ स्टोन्स के नीचे मतलब अंडाइड में बदल चुका होता है लेकिन अभी कॉन्शियस में होता है जो कि कोई और नहीं मैनल्ड का एक ब्रदर होता है मोवोला कह सकते हैं। लेकिन वह उसके सामने जाने ट्राई करता है तो वह उससे दूर हट जाता है, लेकिन तभी उसको पकड़ लेता है बिल और कहता है कि तुम चिंता ना करो तुम्हें इस लाइफ से मैं आज़ाद करा दूंगा।
और उसको इस तरह से साहस करते हुए देखकर बेबी उसके हाथ को पकड़ता है, उसे काम करता है और अपने ब्रदर के लिए प्रे करता है और उसको शांति से इस वर्ल्ड को छोड़ने के लिए कहता है। और तभी बिली उसको प्रे करता है गॉडेस ऑफ लाइट से और उसकी लाइफ मतलब जो सोल होती है वापस चली जाती है। वह कहता है मुझे माफ करना, मैंने तुमको गलत सोचा था। मतलब इस तरह से किसी एक व्यक्ति के पास में गॉडेस ऑफ लाइफ लाइट की पावर्स हों ये मैंने सोचा था, बस ऐसी गलती से मिल गई है। लेकिन इस तरह से काफ़ी सारे और भी अंडाइड्स होते हैं जिनके लिए बेबी प्रे करते हैं और गॉडेस ऑफ लाइट द्वारा उनकी सोल्स को आफ्टर लाइफ में भेज देते हैं। जब आगे तरफ जाते हैं तो वेल कहता हम यहाँ से आगे चलें, तो वह कहता नहीं रुको। ये घर के सामने जाकर जोर से आवाज़ देता है मैपाल, जो कि कोई एक ओल्ड लेडी को बुला रहा होता है। ओल्ड लेडी जब सामने आती है तो बिल उसे पहचान लेता है कि वो ओल्ड लेडी ने बल्कि एक पावरफुल घोस्ट है, शायद उसके साथ फाइट करने में भी उसे कोई दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है, फिर हार्ड होने वाली है। लेकिन ओल्ड लेडी उसको समझाती हुई कहती चिंता ना करे, अभी किसी घोस्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं है बल्कि वे एक नॉर्मल ही है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं, वो थोड़े काम रहे। लेकिन मैपल से वह कहता है यानी मैनल्ड, ये बंदा सच में एक अच्छे असली प्रिस्ट है और वह उसको इस लाइफ से आफ्टर लाइफ में भेजने में काफ़ी यदि आसानी या फिर हेल्प करने वाला है उसकी, जिससे कि वे इस वर्ल्ड को छोड़कर जा सकती हैं जैसे वे चाहती हैं। लेकिन मैपल कहती हैं उनको थोड़ी चिंता है जो कि अलग चीज, मतलब इस बात की उसे चिंता बिल्कुल नहीं है। वो उसकी तरफ गौर से देखती हैं और कहती हैं तुमको अपने रास्ते को बदल लेना चाहिए, मतलब इस तरह से तुम लोगों को लूटते हो, हाँ तुम्हारा काम करने का तरीका गलत है और लेकिन तुम सच्चाई के मतलब सही काम के लिए करती हो, तुम्हारा हार्ट है वह भी कितना काइंड हार्टेड है, इसे तुम लोगों को इस तरह से नहीं लूटना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी नहीं लूटना चाहिए, उनके साथ गलत नहीं करना चाहिए। मैं कहता है लेकिन आपको पता है ना, इस तरह से एक बिल्कुल ही बेकार टूटे हुए रहना, एकदम कमजोर की तरह रहना, जिसके पूरे पेरेंट्स पूरे विलेज को सामने डिस्ट्रॉय कर दिया गया, हर कोई उसे धोखा दे, इस तरह से रहना कोई आसान नहीं है। गॉड के ऊपर उसका ट्रस्ट है पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इस तरह से हमारी लाइफ इतनी हो गई है, लेकिन गॉड्स हैं जो कि हमारी तरफ देख ही नहीं रहे, हमको कोई भी तरह से हेल्प नहीं कर रहे हैं। ये बस उनका बिल होता है काफ़ी शॉक्ड और काफ़ी मतलब फील कर रहा होता है उसकी इस तरह की लाइफ को देखकर। मैपल कहती है चिंता ना करो, क्योंकि गॉड हमेशा ही हर किसी को ही दो मौके देते हैं और वैसे कितने भी शायद दुख देते हैं लेकिन हमेशा वो हमसे हमसे ही प्यार करते हैं, इसलिए इस दूसरे मौके का फायदा उठाओ। और बता देती हैं शायद जो डीमंस हैं वे जंगल के अंदर से आ रहे हैं, कोई शायद बॉस टाइप है जो कि उन सभी डीमंस को कंट्रोल कर रहा है। और वह कहती हैं मेरे मरने के बाद या फिर हंसे जाने के बाद प्लीज तुम ध्यान रखना आगे मैनल्ड का, यानी उसका ख्याल रखना। वे लोग सभी लोग मिलकर सारे सोल्जर जो भी लोग विलेजेस मरे होते हैं उन सबकी बॉडी लेकर आते हैं उनको, और जो बाकी लोग बच्चे होते हैं उनकी हेल्प से वहीं पर बरी कर देते हैं। उसी रात वे लोग वहीं पर पार्टी कर रहे होते हैं और कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं बिल के लिए इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए, मतलब थैंक्स कहते हैं उनके लिए। नेक्स्ट दिखाया तो एक चट्टान के ऊपर बैठे होते हैं जहाँ पर बिल बताता है अपने बारे में कि बस किस तरह से डीमंस को सबको हराना चाहता है, सबको प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन वह कहता है ये सब कितना खतरनाक है, उसकी लाइफ भी इसमें खत्म हो सकती है, लेकिन उसको भरोसा है कि वह जितना चाहे उतना कर सकता है। लेकिन मैनल कहता है चलो ठीक है जो तुम करना चाहो, लेकिन वह कहता है बस तुम्हारी लाइफ की स्टोरी क्या है। वह कहता है उसकी बोरिंग स्टोरी है, कुछ खास नहीं, जब से उसकी जन्म हुआ था यानी एल्फ विलेज में जहाँ पर उसकी मदर थी वे एक हाफ एल्फ थी, तभी उसे पसंद करते थे लेकिन फिर भी उसको काफ़ी डिस्ग्रेस भी मिलता था एक हाफ एल्फ होने की वजह से, इसलिए आखिरकार उसने विलेज को भी छोड़ दिया और वह एक एडवेंचर बन गया, ऐसी पता नहीं कब एडवेंचर बन गया काफ़ी सारे अननोन लोगों के साथ में। लेकिन एक दिन उसके साथियों ने उसको धोखा दे दिया, उसके सारे ट्रीजर्स को चुराने के लिए उसे पॉइजन कर दिया धोखे से, लेकिन उसने उन सभी लोगों को तभी वहीं पर ख़त्म कर दिया और वह पॉइजन से मरने वाला था। लेकिन अचानक से मैपल ने उसको बचा लिया और वह उसको काइंडली ट्रीट करती थी, जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ तब तक उसको ख्याल रखती रहीं। मुझे नहीं पता क्यों मैपल लेकिन फिर भी हर किसी के साथ में इतना ज़्यादा काइंड व्यवहार करती हैं और सबको काइंडली ट्रीट करती हैं। और बिल के लिए भी थैंक्स कहता है इतनी ज़्यादा अब तक उसके मिलने के बाद उतनी जो भी हेल्प किया है इतना ज़्यादा कुछ किया उसके लिए। और वह कहता है कि ग्रेस फील उसकी डेटी है, मतलब जो कि गॉडेस हैं उससे बेबी प्रे करना चाहता और कहता है बेबी गार्डियंस बनाना चाहता उनको भी, मतलब गार्डियन तौर पर हेल्प करें उसकी भी। बेबी सेम करता और कहता है ग्रेस फील जो गॉडेस ऑफ लाइट है वह हमेशा हर किसी ख्याल रखती हैं और तुम पर भी उनकी ब्लेसिंग बनी रहेगी। इधर वो दोबारा से पार्टी के लिए वापस आ चुके होते हैं, यहाँ पर सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं, सभी लोग अब एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर कि बिल्कुल अब समझ आता है कि सच में अब उसके पास में कोई है जो कि करीबी और उसको फ्रेंडली बुला सकता है। नए सारे लोग होते हैं अपने विलेज को दोबारा से बनाने में या फिर दोबारा से कंस्ट्रक्शन काम कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि वो लोग कहते हैं हमको काफ़ी सारी और चीज़ें लेने के लिए व्हाइट सेल सिटी जाना होगा। तो बिल पूछता आखिर ये सिटी किधर है या फिर क्या है, तो वह कहता है ठीक है और एक थोड़ी बोरिंग स्टोरी चलाने स्टार्ट करता है। बहुत पहले की बात है यहाँ पर कि सिटी व्हाइट सेल के ऊपर काफ़ी सारे डीमंस ने अटैक कर दिया था, यहाँ पर कि काफ़ी सारी दवाई और काफ़ी सारे लोग थे जो कि व्हाइट सेल में जाकर रहने लगे। लेकिन वह सिटी एक ऐसी सिटी है जहाँ पर कि गॉडेस ऑफ लाइट को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है और वह हमेशा ही उन पर अभी भी गॉडेस ऑफ मतलब लाइट पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते आए हैं। इसीलिए उस सिटी में अभी काफ़ी सारे लोग रहते हैं लेकिन वो काफ़ी दूर सिटी है। लेकिन हमारी जो फाइनेंशियल स्थिति है अभी काफ़ी ज़्यादा ही खत्म खराब होती जा रही विलेजेस की, तो बिल कहता है तो हमें क्यों ना कुछ सारे डेंजर्स को देखना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, यहाँ पर हमें काफ़ी सारी चीज़ें ट्रीजर्स मिल जाएंगे। फिर जंगल में निकल पड़ते हैं लेकिन तभी अचानक से उनको दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा गोलेम टाइप होता है, इन गोरिल्ला अटैक कर रहा होता है एक बंदे पर जहाँ एक बच्ची भी होती है जिसके साथ में बिल होता है एकदम आंखों से आंखें मिलाकर खड़ा रहता है और एकदम घूरने लगते हैं दूसरे को और आखिरकार उसको देखकर वह गोलेम डर कर भाग जाता है।
वहाँ लिटिल गर्ल होती है, बी इसका नाम होता है, वह आकर थैंक्स कहती है और कहती पहली बार किसी ने देखा इस तरह से किसी से फाइट करती हुई और डराकर भगाते हुए। वहाँ पर एक मैन होता है जो कि मर्चेंट होता है और जिसका नाम टोनिया होता है। वह बताती है उनको सच में मर्चेंट की कोई भी जानकारी नहीं, या फिर कहें तो मर्चेंट के तौर पर उन्हें बिजनेस नहीं करना आता है। वह कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने आप को डिफेंस नहीं कर सकता, मैं एक मर्चेंट ही हूँ। तो मैनल्ट कहता है वैसे हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, तुम लोग व्हाइट सी ना जा रहे हो, तो हम लोग साथ में जा सकते हैं यहाँ से, काफ़ी अच्छा है। लेकिन मर्चेंट कहता है मैंने कुछ बाउंसर को हायर किया था जो कि हमें प्रोटेक्ट कर सकें रास्ते के दौरान, लेकिन वो इस बड़े गोलेम को देखकर मतलब गोरिल्ला को देखकर डर कर भाग गए, हमको मरने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पर बिल कुछ कहने को होता है तो कहता रुको मैं डील करता हूँ। और मैनल्ट कहता है हम लोग व्हाइट सी जा रहे हैं और अभी हमने तुमको प्रोटेक्ट भी किया है और तो क्यों हम डील करते हैं, हम तुमको विलेज तक या सिटी टाउन तक कहीं पर जाना है प्रोटेक्ट करते हुए जाएंगे, जिसके लिए तुम्हें एक फीस पे करनी होगी अभी की प्रोटेक्टेंट की प्रोटेक्शन के तौर पर भी, और आगे ले जाएंगे उस प्रोटेक्शन भी। वे लोग पहुंच जाते हैं एक सिटी में जहाँ पर कि वे लोग शो करते हैं, यानी बी होती है एक शो करती म्यूजिक द्वारा, और जहाँ पर मर्चेंट होता है टोनिया अपनी कुछ चीज़ों को बेचने लगता है भीड़ ज़्यादा इकट्ठी होने पर। इधर बिल होता है बेबी लोगों की हेल्प कर रहा होता है अपनी हीलिंग मैजिक द्वारा, और वे उन लोगों से कोई भी कॉस्ट चार्ज नहीं कर रहा होता उनके पूछने पर। वह कहता है इसके लिए चार्ज नहीं करेगा बिकॉज गॉडेस ऑफ लाइट की उसको एक ब्लेसिंग है, इसलिए वह इसे क्रेडिट भी नहीं लेगा। मैनल कहता है इस तरह की पावर्स को होना सच में कितना ज़्यादा कूल होता ना। वह कहता है ये सब तो गॉडेस ऑफ लाइट की ब्लेसिंग है मेरे ऊपर, मैं इसका क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं लूँगा। इस तरह से रात हो गई होती है और अब शाम के टाइम पर निकल चुके होते हैं अपनी न्यू सिटी की तरफ या न्यू टाउन की तरफ बिजनेस करने के लिए। जब जा रहे होते थे एक अबाउंडेंट सिटी या फिर एक घर मिल जाता है जहाँ पर के रुक जाते हैं। बी होती है यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए एक स्टोरी सुनाना स्टार्ट करती है मैरी और ब्लड के बारे में जो कि बिल के पेरेंट्स होते हैं। वे बताती है उनके बारे में स्टोरी अपने एक पियोने बजाते हुए। बहुत टाइम पहले की बात है एक विलेज में एक ड्रैगन था और कुछ डीमंस के साथ में मिलकर एक ड्रैगन ने अटैक कर दिया था, जिसको शांत करने के लिए उस विलेज के लोग थे या डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए उस विलेज के लोग एक गर्ल को सेक्रीफाइस के तौर पर दे देते हैं, यानी देते आ रहे होते हैं एक गर्ल को सेक्रीफाइस दे रहे होते हैं। लेकिन जहाँ पर कि बिलोड और मैरी थी, बिलोड इस चीज़ के खिलाफ या खासतौर से मैरी इस चीज़ के खिलाफ होती है, बिलोड उसका साथ देता है लेकिन गस उसके साथ में होता है, बिस्को काफ़ी डिफरेंट उसकी सोच होती है। इस तरह से स्टोरी कंटिन्यू करते हैं लेकिन बिल समझ जाता है ये स्टोरी काफ़ी डिफरेंट है असलियत से, इनकी जो पर्सनालिटीज है उनकी भी काफ़ी चेंज कर दी गई हैं, लेकिन फिर भी वो स्टोरी को सुनना जारी रखता है। लेकिन उसी रात एक बच्चा जो कि हीरो से मिलने आया होता है मैरी और ब्लड से और कुछ गोल्ड कॉइन देते हुए कहता है कि प्लीज उस एल्फ को बचा लो, इन गर्ल को बचा लो। ब्लड कहता है लेकिन बहुत ज़्यादा कम है आखिर, अभी लोग ऐसा क्यों करने वाले हैं। और भी कुछ सिल्वर कॉइन देता है और कहता है मेरे पास ये है प्लीज हेल्प करो, रिक्वेस्ट कर रहा होता है। ब्लड कहता है सच में काफ़ी चीप है, हम लोग सच में इतने कम पैसे के लिए तो खुद को नहीं बेचने वाले हैं, लेकिन वह काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहा होता है। उसकी इतनी ब्रेवरी देखकर भी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं उसके चैलेंज के लिए कि किसी ने इतनी ब्रेवरी तो दिखाई उस मॉन्स्टर के खिलाफ। फिर निकल पड़ते हैं और बीस्ट के को एक साथ में मिलकर अटैक करते हैं और उनको आखिरकार उस बीस्ट को खत्म कर दे। तीन हीरोज के सामने आकर बीस्ट क्या टिक पाता उसको खत्म करने के बाद, वो उन दोनों लोगों के पास में आता है जो एल्फ गर्ल होती है, वे हाफ एल्फ होती है, इसे उनके पास जाकर एक एन्चेंटमेंट एक डैगर देते हुए कहते हैं अब खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका तुम यूज करना, ही मैजिकल है। और तभी गैस उसको कुछ पॉइंट्स देता है और कहता है और इसके साथ में तो अपना एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करने आगे चल के अच्छी लाइफ जी सको, और अपना नाम बताता है असली नाम जो कि एक पासवर्ड के तौर पर यूज होगा जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे या फिर कोई मिले तब। वे लोग बस वेट करते रहते हैं पूरी लाइफ की, शायद कोई होगा जो कि उन ओल्ड मैन के बारे में असलियत जानता हो या फिर असली नाम वगैरह जानता हो। ये सब स्टोरी सुनकर बिल काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि सच में इस वर्ल्ड में कोई तो है या फिर कुछ एडवेंचर्स ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी उसके पेरेंट्स के बारे में या उन तीनों हीरो के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट डे जब ट्रेनिंग कर रहा होता है तो वहाँ पर टोनियो आकर कहता है सच में उसने पहली बार किसी ऐसे बंदे को देखा है जो इतने ज़्यादा पावरफुल है, उसके हाथ में इतने ज़्यादा एजुकेटेड है और उसके साथ में इतने ज़्यादा काइंड हार्टेड भी है, आखिर वह अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है। उसकी वजह से बिल कहता है कि वह बस इस लाइफ में उस पूरी दुनिया को या फिर नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है और नॉलेज लेना चाहता है, कुछ न्यू फ्रेंड्स बनाना चाहता है। टोनियो कहता है फ्रेंड तो वह उसके साथ में बन सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा उसके साथ में रहेगा। फिर वो वापस आने के बाद खाना खाते हैं और फिर अपनी नेक्स्ट जर्नी होती है उनकी फिर से कंटिन्यू कर देते हैं नेक्स्ट डे के लिए। टोनियो जा रहा होता है तो इस किंगडम के किंग के बारे में बताता है, किंग क्योंकि एडवर्ड थे और वह मर गए, जिसकी उनकी डेथ के बाद उनका प्रिंस था वही इस किंग को रूल कर रहा है, इन किंगडम को रूल कर रहा है। लेकिन उसका एक और ब्रदर है एथल जो कि काफ़ी ज़्यादा ही फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, उसके जो बिजनेस माइंड है वो काफ़ी अच्छा है, उसके जो नियम वगैरह है काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि अभी एक काफ़ी अच्छा लीडर भी है। लेकिन तभी बी बिल के लिए लेकर चली जाती है और जहाँ पर कि काफ़ी ब्यूटीफुल स्कैनरी उनको देखने को मिल रहा होता है जो कि काफ़ी अच्छा होता है सिटी के बाहर। ये सिटी देखते हैं जो सिटी काफ़ी लग्जरी और काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड बनी हुई दिख रही होती है, वे लोग काफ़ी शॉक्ड होते देख कर। और टोनियो बताता है ये सिटी है वह पूरी तरह से प्रिंस द्वारा डेवलप की गई है, उनके अकॉर्डिंग सारे फाइनेंसिस वगैरह उनके अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एडवांस तौर पर भी इनको विकसित किया गया है। यहाँ पर काफ़ी सारी ज्वेलरी वगैरह देखने को मिलती है जिसको बी काफ़ी
पसंद कर रही होती है। उनको काफ़ी सारे लाइटेंस लैंप्स दिख रही होती हैं जो कि टोटल मैजिक द्वारा मैजिशंस होते हैं उन्हें रात में जलाते हैं, इसीलिए सारे ऑटोमेटिक टोटल चल रहा है, मैजिक द्वारा काम करता है। फिर वो बाथ लेने के जाते हैं जो कि यहाँ पर एक स्विमिंग पूल बना होता है जिसका पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है। तो वे कहते हैं यहाँ पर जो प्रिस्ट होते हैं वे अपनी प्योरिफिकेशन मैजिक यूज करके सबको प्योर करते हैं, इसलिए किसी और का काम ज़्यादा नहीं है। खाना खाने जाते हैं तो डिशेज वगैरह होती हैं वे उन्हें काफ़ी अच्छी लग रही होती हैं। वह पहुंच जाता है चर्च में जहाँ पर कि वह एक प्रिस्ट से मिलता है या फिर एक बंदा जहाँ पर काम करता है उससे मिलता है और पूछता है कि वह हेड प्रिस्ट से मिलना चाहता है, लेकिन वह कहता है उसके लिए आपको पहले ये सिद्ध करना होगा या फिर दिखाना होगा कि आप सच में इस चीज़ के वर्दी या फिर आपके पास में प्योर मतलब प्योर हैं। ये बहुत सारे लोग आते हैं जो स्कैमर्स भी होते हैं, इसीलिए हेड प्रिस्ट नहीं मिल सकते। हेड प्रिस्ट वहाँ पर आ जाता है बैगले और मैं कहता है कि बंदा कौन है, तो बिल होता है इंट्रोडक्शन देता है बैगले के लिए। तो वह कहता है ठीक है इसको जो भी करना है या फिर जो भी डोनेशन वगैरह देना चाहते हैं सब करो और उसको ऐसे भेज दो। वह वहाँ से चला जाता है हेड प्रिस्ट। वह प्रिस्ट मतलब जो बंदा होता है चर्च में वह कहता है जो प्रिस्ट है सच में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं इसीलिए उनके पास ज़्यादा शेड्यूल टाइम नहीं मिल पाता है फ्री टाइम। वे लोग रूम में आ गए होते हैं जहाँ पर वो काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं और अपनी आगे की प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले बाहर से एक ब्लास्ट की आवाज़ आती है। जब बाहर देखते हैं तो एक बहुत बड़ा ड्रैगन जो कि सब में अटैक कर रहा होता है। वे लोग भी चर्च में जाकर देखते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते हैं चर्च में छुप गए होते हैं, इस तरह से खड़ा नहीं रह सकता सबको तबाही देखते हुए छत पर आ जाता है और अटैक करना स्टार्ट करता है यानी चर्च की छत से, लेकिन अटैक होता है फेल रहता है। दोबारा से फिर से ड्रैगन को अटैक करने को होता है लेकिन तभी मैं पीछे जाता है मैंडल और वह कहता है क्या तुम सच में दिमाग ठिकाने पर नहीं है क्या, तुम्हें पता है जो विंग्स क्रीचर्स होती हैं उनको लॉन्ग रेंज अटैक होते हैं किसी काम के नहीं, वो आसानी से डॉच कर सकते हैं, उसको भी गस की सर लेसन याद आते हैं। हाँ बिल्कुल बात तो ठीक है। मैं कहता ठीक है तो फिर अभी मैं प्लान बनाना होगा, मतलब सारे लोग हैं सबको चर्च के बाहर एक जगह इकट्ठा कर दो, उनको थोड़ा सेफ भी रखना जिससे कि मैं प्लानिंग भी करता हूँ। वह टोनियो की ऑर्डर देता है और वह कहता है उसे अपनी फेरी पावर्स को यूज करने के लिए सेम वैसे ही करता है मैटर और उसको अटैक कर देता है अपने नेट से जिससे कि वह ड्रैगन थोड़ा फंसता है, लेकिन जैसे नीचे गिरता है वो तुरंत ही आज़ाद कर लेता है। बिल चाहता है कि उसके अट्रैक्शन है वो उसकी तरफ ही आ जाए और ड्रैगन का ध्यान होता है भाई बिल की तरफ ही चला जाता है और अपना पावरफुल अटैक यूज करता है और अटैक कर देता है, लेकिन एक बैरियर की वजह से बिल के बैरियर से रुक जाता है, लेकिन तभी कुछ स्मोक टाइप यूज करता है जिससे बैरियर को आसानी से क्रश कर देता है। दो लोग तैयार होते हैं, मैंडल होता है अपनी मैजिक से यूज करता है फेरी का मैजिक और उसको नीचे गिरा देता है। ड्रैगन होता है जो कि अभी भी अपने फायर अटैक को दोबारा से अटैक नहीं कंटिन्यू कर रहा, लेकिन ऊपर से बिल अटैक करता है उसके गर्दन को वहीं पर दबा देता है। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वह काफ़ी ज़्यादा ही होती है, इसीलिए उसके गर्दन को इतनी जोर से दबा देता है कि उसका जो अटैक होता है उसके अंदर ही खत्म कर देता है और ड्रैगन भी मारा जाता है। सारे लोग ऐसे स्कैनर को देखकर शॉक दे जाते हैं किसी ने अपनी बियर हैंड से ही एक ड्रैगन को हरा दिया। भी होती है यहाँ पर मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन तौर पर एक हैप्पीली सॉन्ग गाने लगती है जिससे सब लोग एक एंजॉय करने लगते हैं। सब लोग शॉक्ड होते हैं कि दो लोगों ने मिलकर केवल ऐसा किया। वहाँ पर एक सर्वेंट आता है प्रिंस का और वह कहता है प्रिंस आपसे मिलना चाहते हैं। फिर पहुंच जाता है प्रिंस के चैम्बर में जहाँ पर कि वो रेस्पेक्ट देता है। प्रिंस कहते हैं और बैठो, फिर वो बैठते हैं तो बताता है कि आखिर वह कौन है और यहाँ पर उन दोनों की इकलौती ने मिलकर दो मतलब एक ड्रैगन को किस तरह से मार दिया, ये सच में काफ़ी आश्चर्यजनक है, इसलिए मैं तुमको कोई इनाम देना चाहता हूँ कि तुम्हारी की रिक्वेस्ट है। फिर उसमें बिल थोड़ा सोचता और कहता हाँ मैं चाहता हूँ पास के जो ब्लेज यहाँ पर डिमन से अटैक कर दिया, मैं चाहता हूँ कि आप रेनफोर्समेंट के तौर पर आपको सोल्जर्स भेजें और उनकी हेल्प करें। मैं कहता ये नहीं हो सकता, मतलब ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी रिक्वेस्ट है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे कम लोग बचे हैं और हमारे पास इतना फाइनेंस भी नहीं है कि हम इस तरह से अदर कंट्री मतलब अदर विलेजेस में इस तरह से हेल्प पहुंचा सकें, ये थोड़ा ज़्यादा होगा। मैं क्या लगता है लेकिन वह खुद भी लीड करके सोल्जर्स को ले जा सकता है, पर्सनली जा सकता है। लेकिन प्रिंस कहता है लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता, मतलब तुम्हारी जो डिमांड है वो थोड़ी सी ज़्यादा है जिस मतलब जिस हिसाब से मैं कह रहा हूँ उस हिसाब से। मैं कहता है वो माफ़ करना, अपोलाइज करता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना कि मैंने आपसे कुछ ज़्यादा डिमांड कर ली उसके लिए, लेकिन फिर भी मैं कहता है ठीक है तो लेकिन उसके लिए तुम्हें मतलब इस तरह से तुम काफ़ी यदि पावरफुल होते इसे तुम इस तरह से रेड कार्ड तौर पर छुड़ा भी नहीं जा सकता है। मैं सोचने लगता है हाँ किसी भी किंगडम में यदि मैं चला जाऊँ या फिर कोई भी हीरो आ जाए किसी किंगडम में तो उस किंगडम के लिए थोड़ा खतरा तो लगता है कोई भी पावरफुल पहुंच जाए। मैं सोचता है क्या करना चाहिए मुझे, यहाँ पर मैं फाइट करूँ? नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं तो काफ़ी आउट नंबर है, इसे मुझे नेगोशिएशन करनी चाहिए। मैं घुटनों पर आ जाता और रेस्पेक्ट देते हुए कहता है कि मेरी जो रिक्वेस्ट है आपको एक बार उसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। मैं बस डीमंस को सारे डीमंस को हराना चाहता हूँ और बस उन लोगों को सेव करना चाहता हूँ जो सर्वाइव कर चुकी हैं। वह क्या लगता है लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा ही बड़े ऑब्स्टिकल तुम्हारे बीच में आने वाले हैं डिमन्स को फाइट करते टाइम। वह कहते हैं चिंता ना करे, मैं अपना पूरा बेस्ट देना हूँ डिमन को खत्म करने के लिए। अचानक से बाहर से आवाज़ आती है और जो हेड प्रिस्ट होता है या फिर हेड बिस्क होता है वह आ जाता है। वह कहता है कि इस तरह से आपने बिना मेरी इजाज़त के इस तरह इस बंदे को इस चैम्बर के अंदर बुला कैसे लिया, मतलब मैं इन चैम्बर में। तो प्रिंस कहता है मुझे माफ़ करना, मेरा कोई आपको डिसरेस्पेक्ट करने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उसको तो मतलब आगे एक पैलेडिन बनाने जा रहा हूँ, मतलब एक पैलेडिन बनाना चाहता हूँ, इसके बाद मैं उसको एक मैजिक नाइट भी बनाना चाहता हूँ। बिकॉज हम लोग डीमंस के खिलाफ फाइट करने की बात कर रहा है इसी पे हम थोड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता क्या आप इस तरह से डीमन के खिलाफ कैसे फाइट कर सकते हैं, ड्यूक ऑफ ज़्यादा कोई भी
मतलब तरीका नहीं, एक बेवकूफ़ी और कुछ नहीं। मैं कहता लेकिन मैं उसको एक मैजिकल नाइट भी बनाना चाहता हूँ, तो आखिर मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है उस बंदे में। हेडवेस बैगली कहता है कि ठीक है तुम दोनों मेरे साथ में आओ। और वह काफ़ी गुस्से में दिख रहा होता है, जब जा रहा होता है तो उन दोनों को पुलिस के अलावा कुछ नहीं बुला रहा होता, मतलब ये लोग बेवकूफ़ हैं। मेंटल के साथ में उसकी थोड़ी बहस हो जाती है, यानी अच्छी खासी चिट चैट जाती है। लेकिन ये दिखाया था बिल जो कि उसकी डॉटर आना से बात करने लगता है और कहता आखिर ये सब, तो वह कहती है मेरे जो फादर हैं वह थोड़े से गुस्से में अभी चिड़चिड़ लिए हैं बिकॉज उनके ऊपर काफ़ी सारा वर्क लोड है और काफ़ी सारा वर्क है जो कि करने को पड़ा है, लेकिन उनकी आदत ठीक है। वह बताती वैसे हम दो सिस्टर्स हैं लेकिन दोनों ही हम सगे ब्लड रिलेटेड नहीं हैं बिकॉज उन्होंने मुझको अडॉप्ट किया था एक ऑर्फेन से। इधर दिखाया था बिल जो कि थैंक्स कह रहा होता उसके यहाँ पर लाने के लिए और प्रिंस से उसके बारे में बात भी करने के लिए, उसे बात मानने के लिए। मैं कहते इस तरह से पोलाइट होने का कोई भी जरूरत नहीं है बिकॉज मैं तो गॉड से यही प्रे करूंगा कि तुम नाइट ना बनो, मतलब इस तरह से तुम्हारी क्वालिफिकेशन के साथ में, इसलिए मेरे साथ में आओ और हम लोग अभी सुबह जाकर चर्च में सुबह की प्रेयर भी करने वाले हैं, उसके बाद ही हम मिलेंगे। मैं कहने लगता लेकिन सुबह की प्रेयर क्या होती है उसे नहीं पता बिकॉज मैं एक ऐसे प्लेस से आया जहाँ पर केवल चार लोग ही रहते थे अपने पेरेंट्स के साथ में रहा करता था। मैं कहता कि सच में तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। चलो ठीक है मैं तुम्हें कुछ बुक्स दे दूंगा जिनको तुम्हें रीड कर लेना। नेक्स्ट डे सुबह के टाइम में वेट कर रहा होता है जहाँ पर हेड प्रेस्ट होता है, मतलब हेड बिस्क होता है बैगले, वह थोड़े प्रे कर रहा होता है, उसको देखता है तो सेम पोस्चर में वह भी बैठ जाता है क्विक प्रेयर के बाद में। मतलब बैगली से पूछता है कि आखिर वह अपनी जो होली पावर्स हैं या फिर ब्लेसिंग्स हैं वह और लोगों की हेल्प के लिए क्यों नहीं यूज करते हैं। तो वह कहता है जो होली पावर्स हैं या फिर कहें तो ब्लेसिंग्स जो गॉड्स की मिली होती हैं, पिछले से हम रेकलेसली एकदम नहीं यूज करते रह सकते और ना ही अपने सेल्फिश के लिए और ना अपने लालच के लिए या फिर लोगों के बस अपना नाम फेमस करने के लिए सब करते हैं। वह काफ़ी यदि यूनिक होती है इसलिए हमारे समय यूज नहीं करते रह सकते। हमें अपने चर्च का फाइनेंस भी देखना होता है और हमको सब कुछ देखकर चलता रहना चाहिए और जिसके लिए हमें कुछ डर्टी वर्क्स भी करने पड़ जाते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग बस गॉड्स के ब्लेसिंग्स हैं उनको हम ठीक से यूज करते हैं। उसकी बात सुनकर वह काफ़ी कन्वेंस दिख रहा होता है और वह कहता है कि सच में ये काफ़ी अच्छा है। वह पूछता है कि वैसे तुम आखिर ये सब कह रहे हो, मतलब तुमने इस तरह से ड्रैगन को अकेले हरा दिया है ना, तो उसके बारे में क्या तुम बताना चाहोगे, मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ या फिर तुम अपनी फैसले को बदल सकते हो। मैं कहने लगता है वह बस गॉड डीमंस को मारना चाहता है और ग्रेस फील जो मतलब गॉड ऑफ लाइट है उनकी पावर्स को वह पूरी तरह से यूज करना चाहता है, लोगों की हेल्प करना चाहता है। उसकी बात सुनकर वह एकदम एक्सेप्ट कर लेता और कहता है ठीक है तो तुमको मैजिकल लाइट बना दी जाएगा, इसके साथ में तुमको कुछ सोल्जर भी चाहिए, वह सोल्जर भी तुमको दे दी जाएंगे। नेक्स्ट चर्च से वापस आने के बाद वे लोग पब में आए होते हैं कह सकते हैं, जहाँ पर कि सारे लोग मतलब होते हैं एंजॉय कर रहे होते हैं, उसी तरह से बेबी देख रहे होते हैं और अपने एंजॉय करते हैं। और वे सोचते हैं यहाँ से हम कुछ लोगों को रिक्रूट करना होगा, इसीलिए सब लोगों में पहले ही जाकर बता देते हैं कि हम लोगों को कुछ रिक्रूटमेंट चाहिए, कुछ एडवेंचर जो कि हमारे साथ जा सके क्योंकि हम लोग डीमंस का सामना करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी खतरनाक टास्क होता है। लेकिन सारे लोग जब उस टास्क को देखते हैं तो एकदम मना करने लगते हैं, ज़्यादातर लोग मना कर देते हैं। नेरी बंदी की आवाज़ आती है वो उसके साथ जाने के लिए तैयार है, तो बिल भी उसके पास जाता है और उसके सारे टीममेट्स से एंड गुली से कहता है ठीक है यदि हमारे साथ जाने के लिए तैयार है तो फिर वह तैयार हो जाए क्योंकि हम लोग डीमंस का सामना करने वाले हैं, पास की जो टाउन में डीमन का जो लीडर है हम उसका सामना करने वाले हैं और तुम लोगों को खाने पीने रहने सबका खर्चा हम देख लेंगे, बाकी सारी ज़रूरतें हम देख लेंगे। ये बात सुनकर वह बंदा भी तैयार हो जाता है, नाम रे स्टॉब होता है। मैं कहता ठीक है। इधर दिखाया था टोनियो के साथ में मिलकर वह बात कर रहा होता है और अपनी प्लानिंग बना रहा होता है, तो टोनियो होता है बताता है कि लेकिन फिर भी हमको काफ़ी सारी फाइनेंस की दिक्कत आने वाली है और कुछ बी स्टॉफ की एंड बीस वाइट की भी जरूरत पड़ने वाली है, कुछ मटेरियल्स वगैरह जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं कहता ठीक है वो उसकी सारी चीज़ों की हेल्प करेगा सब मटेरियल को इकट्ठा करने में और वैसे भी अपनी ब्लेसिंग पावर को यूज करके लोगों को भी हील करता रहेगा क्योंकि हेल्प करेगा और हम सारे बिजनेस को अपने आगे बढ़ाते रहेंगे जो जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन मैं कहता उससे पहले हमें कुछ बिजनेस के बारे में तुम्हें सिखाना होगा, मुझे तुम्हें बिल्कुल भी बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं है। बिल कहता है लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हार्ड होगा ना उसके लिए। लेकिन मेंडल कहता है ये तुम्हारी जरूरी भी है। बी वहाँ पर आती है और कहती है बेबी वे देखना चाहती है एंड उस बैरियर एडवेंचर को देखना चाहती है, मिलना चाहती है। लेकिन जब वह रेस्ट ऑफ से मिलती है तो एकदम ही सारे जो उसके अंदर उत्साह होता है एकदम रखा रह जाता है, मतलब उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। मैं कहता अरे मैं इसको हीरो समझ रही थी लेकिन हीरो जैसा नहीं है, मतलब उसकी जो कहानी थी एडवेंचर्स की होती है उस अकॉर्डिंग में नहीं होता है। लेकिन फिर भी वह कहती है तो क्यों ना मैं एक बैटल सॉन्ग गाऊँ या फिर कहूँ तो एक बैटल की पूरी स्टोरी सुनाऊँ। बिल होता है थोड़ा रोकने की ट्राई करता है लेकिन फिर आदमी मान ही जाता है, कहता है हाँ ठीक है तुम जो चाहो वह कर सकती हो। नेक्स्ट कहता है जो सेरेमनी होती है मैजिक नाइट किंग की भी स्टार्ट हो चुकी होती है और बिल्कुल एक मैजिकल नाइट किंग बना दिया जाता है। प्रिंस उसे एक स्वार देता है और बाइस प्रिस्ट होता है या बिस कह सकते हैं वह भी उसको उपाधि देता है मैजिक नाइट की। इधर बिल्कुल निकल पड़ते हैं अपनी जर्नी के लिए जो पास का टाउन है जहाँ पर डीमन किंग्स का या फिर सब डीमन्स का लीडर होता है, सारे लोग जा रहे होते हैं
और अपनी सारी जरूरत की चीज़ें होती है वे भी टाउन में लेकर आ गए होते हैं। यहाँ पर जो इंजर्ड लोग होते हैं उनको सारे चर्च के लोग होते हैं मिलकर हील कर रहे होते हैं। जब बिल आता और कहता है सच में काफ़ी अच्छा वर्क जा रहा है जैसे हमने प्लानिंग की होती है, और एडवेंचर्स भी आ जाते हैं जो कि अभी बाहर से कुछ और डिमन्स को मारकर लाए होते हैं जो भी उनके सामने आए होते हैं वह निकल जाते हैं। इस तरह से दिन बीत जाते हैं और बिल लोग अपने फाइनेंशियल तौर पर टॉम के साथ में मिलकर विलेज को काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि एक बिजनेस हब बना लेते हैं पूरा, मतलब बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा होता है, स्टार्ट चुका होता है जो विलेज होता है वो काफ़ी लिबलुड हो गया होता है। और बिल सोच रहा होता है कि जैसा कि गेस ने कहा था कि पैसा सब कुछ करवा सकता है, कि जब बैठकर अपने स्पीड को साफ कर रहा होता है लेकिन तभी वहाँ पर आता है रे स्टॉप और कहता है हमारे 2 वीक पहले जो सोल्जर्स के ग्रुप गया था एडवेंचर्स का वह वापस अभी तक नहीं आया है, और जो लोग भी उन्हें ढूंढने गए थे बेलू भी वापस आ चुके हैं। तो बेलू भी निकल पड़ते वहाँ से जंगल के अंदर जिस तरह वह ग्रुप गया था और आसपास में ढूंढते टाइम वेंडल कहता है कि इस तरह से शायद वे लोग, सही कहूँ तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मतलब वे लोग हो सकता शायद ना रहे हूँ, वह कहता है लेकिन इस तरह से तुम कुछ कहना चाहते हो तो डायरेक्ट बंदी की आंख में देखकर कहा करो, लेकिन वहाँ से चला जाता है। आगे तरफ बढ़ने पर उन्हें पता चलता है कुछ सारी कुछ बिलोंगिंग्स होती हैं जो कि उन सब सोल्जर्स की होती हैं जो 2 वीक पहले आए थे, उनको कुछ आगे चल के डेड बॉडीज मिलती हैं जिनके ऊपर बाइंड डालते हैं जिससे कि रेस्पेक्ट कर सकें सोल्जर्स को रेस्पेक्ट के तौर पर, और तभी उनको प्रे करता है बिल जिससे कि उनकी जो सोल्स हैं उनको ग्रेस फील रास्ता दिखाएं आफ्टर लाइफ के बाद में। फिर लोग देखते हैं और कहते हैं काफ़ी सारे सोल्जर्स की यहाँ पर डेड बॉडीज नहीं है, इसलिए वो और ब्लॉगिंग्स पड़ी होती हैं तरफ जाने लगते हैं, लेकिन आगे बढ़ने पर पता चलता है वे लोग तो एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस चुके हैं। आसपास में बहुत सारी बड़ी एक डीमंस की आर्मी आ जाती है जो कि डेमोनिक पावर के साथ में होती है, तो सब लोग भागना चाहते हैं लेकिन बिल कहता है भागने की जरूरत नहीं है, और वह अपनी सारे मतलब अपना मैजिक यूज करता है जिससे कि उन्हें पॉइजन के खिलाफ इम्यूनिटी दे देता है, और मेंटल होता है वह अपनी फेरी पावर से उनकी स्ट्रेंथ को बूस्ट करता है। जैसे भी अटैक करने को आते हैं वे लोग अपने एरो से अटैक करने लगते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं, सब सील से रोकने ट्राई कर रहे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन तभी डिवन बीस्ट का जो लीडर होता है थ्री हेडेड बीस्ट होता है जो कि उसका नाम होता है काइमेरा, वह पीछे से आ जाता है मुझे अटैक करने लगता है, लेकिन उसकी तरफ देखकर जो एल्फ होता है उसको वह खाना चाहता है एकदम लग्जरियस मीट के लिए जो हाफ एल्फ होता है। जैसे अटैक करने को होता है उससे पहले अपनी फेरी मैजिक से एक स्टोन बॉल बनाना चाहता है लेकिन वह काफ़ी स्लो होता है, एक अटैक के जैसे ही मेंडल वहीं पर गिर जाता है, लेकिन वह अपने पावर अटैक को करने लगा होता है तो बिल सोचता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके सामने काफ़ी सारे बीस्ट होते हैं डेमोनिक बीस्ट जिससे वो फाइट कर रहा होता है, इसलिए उनको मारने लगता है लेकिन वह अटैक कर देता है मेंडल को। फिर भी इधर दिखाता है बिल जो कि फाइट कर रहा होता है और अपनी एक डिवाइन पावर यूज करने लगता है, उससे पहले 2 हेडेड स्नेक आकर उस पर अटैक कर देता है और जो डिवाइन पावर भी यानी थंडर होती है वो उसके ऊपर ही गिर जाती है, जिसकी वजह से वह खुद ही ढेर हो जाता है। किसी बीस्ट को ढेर करने की बजाय उसकी हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है, इसीलिए उस पर लास्ट ऑप्शन बचा होता है डेमोनिक स्वॉर्ड निकालने का, जिसको पहले मना किया गया था ज़्यादा ना यूज करने के लिए, सारे जिस डीमंस को वह खत्म कर देता है जो उसके सामने आ रहे होते हैं, और आखिरकार जब बेहोश होने वाला होता है तो मतलब रेस्टॉप कहता है कि जाकर वह मेंडल को हील करे अपनी ब्लेसिंग से, उसके पास जाता है और देखता है मेंडल काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हो गया होता है, इंजर्ड हो गया होता है उस अटैक की वजह से जो कि ड्रैगन मतलब एक ड्रैगन ब्रीथ कह सकते हैं, लेकिन उसको हील करने लगा होता है लेकिन बीच रास्ते में अचानक से अनकॉन्शियस हो जाता है। जब नेस्ट आके खोल कर देखता है तो वे एक घर के अंदर होते हैं यहाँ पर कि उसके पास में रेस्टॉप होता है, जब देखता है कि हम लोग शायद कहीं पर हैं तो वह कहता है हाँ बिल्कुल हम पास वाले ब्रिज में आ गए इसलिए हम लोग सेफ हैं और हम लोग अब रिट्रीट करके आ चुके हैं। वह कहता है लेकिन उसका फ्रेंड मेंडल कहाँ पर है, तो वह कहता है चिंता ना करें वह अभी ठीक है और वह रेस्ट कर रहा है और इसीलिए तुमको भी अभी यहाँ पर रेस्ट करना चाहिए, लेकिन वह तो काफ़ी टूट चुका होता है अंदर से और इन पर लेट कर सोच रहा होता है कि सच में ऐसा उसकी ही गलती है, मतलब उसको पहले वहाँ पर स्क्वाड टीम भेजनी चाहिए थी जिससे कि आसपास की सारी सिचुएशन को जान सके, उसने सच में जल्दबाजी कर दी और वह एक छोटी सी टीम लेकर इतनी बड़ी डीमन आर्मी से फाइट करने के लिए भिड़ भी गया, ये सच में उसकी एक बहुत बड़ी गलती है। यदि वो थोड़ी सी गलती होती और ज़्यादा तो शायद सारे लोग मारे जा सकते थे और यहाँ तक कि मेंडल भी इतने ज़्यादा पहले इंजर्ड हो चुका है, इसीलिए वहाँ से वह निकल पड़ता है बारिश में ही भीगता हुआ और काफ़ी कोल्ड में, अभी भी रो रहा होता है और अपने आप को कोस रहा होता है, लेकिन सामने से तभी टोनिया और बी आती है। वे लोग कहते हैं जैसे हमें खबर मिली तुम्हारे बारे में रिट्रीट की, हम लोग यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए चले आए पास के विलेज से जहाँ पर रह रहे थे यानी असली हेडक्वार्टर से। बी कहती है सच में तुमने कमाल कर दी, इतने सारे डीमंस को एक बार में हरा दिए तुम लोगों ने मिलकर, ये काफ़ी अच्छा है। वह कहता है ये स्टोरी ठीक नहीं है, तुम्हें काफ़ी आधी स्टोरी सुनने को मिली है, लेकिन वहाँ से निकल जाता टोनी पूछता कहाँ जा रहा है, इधर आ जाता है मेंडल के पास में और जहाँ पर वह उसको पूरी तरह से अब हील करने लगा होता है ग्रेस फील की ब्लेसिंग से, और वह खुद भी रो रहा होता है जितना मतलब खुद को कोस रहा होता है, वो उसको पूरी तरह से हील कर देता है और कहता है आज से वह ऐसा कुछ नहीं करेगा, वह मेंडल को अपने जो थ्री उसके पेरेंट्स थे उनकी तरह ही मानता था, मतलब उनकी तरह शायद वो हो पाएगा, स्माइल करता और कहता है कि आज से वह इस तरह से किसी को खतरे में नहीं डालेगा और अपनी पिछली लाइफ की तरह ही अकेले ही सब करेगा, यानी अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला लेता है। लेकिन अचानक से उसको एक गॉड की कॉन्शियसनेस या फिर एक सपना आता है जिसमें कि वह गॉडेस से ऑफ मतलब गॉडेस ऑफ लाइट ग्रेस फील से कहता है कि आगे जो भी जर्नी है वह अकेले कंटिन्यू करने वाला है,
वह किसी को शामिल नहीं करेगा। ये बात सुनकर जो गॉडेस होती है मैं थोड़ा अच्छा फील नहीं करती हैं। इधर दिखाया जब बाहर जा रहा होता है उस डीमन का सामना करने के लिए, तो उसके सामने मेंडल आ जाता है। तो वह पूछता है कि वह कहाँ जा रहा है, तो वह कहता है यहाँ से उस डीमन के लीडर के साथ में फाइट करने के लिए जा रहा है। ये बात सुनकर मेंडल काफ़ी गुस्से में आता है और कहता है क्या, एक पंच मार देता है, लेकिन उसके पंच को आसानी से इग्नोर मार देता है। मैं नहीं चाहता अपने फ्रेंड को हर्ट करना, उसे वहाँ से जाने लगता है उसे इग्नोर करके। मेंडल उस पर फिर से अटैक करता है, लेकिन वह आसानी से अटैक से डॉच कर रहा होता है। उसकी फाइटिंग स्किल उसमें छोटे बच्चे ट्रेन कर रहा है तो लेजेंडरी लेवल की होते हैं। मेंडल जितनी भी अटैक कर रहा होता है वह आसानी से उसका अटैक से ब्लॉक करता है, मतलब डॉच करता है और उसको वहीं पर नीचे मड में दबा देता है और वहाँ पर फिर से उसे इग्नोर मारकर जाने लगता है। मेंडल उसको अभी भी हार मानने के बिल्कुल भी इरादा नहीं लग रहा होता है। फिर से उसे कहता रुकने के लिए और कहता इस तरह से अपने फ्रेंड्स को अकेले छोड़कर कैसे जा सकता है। ये काफ़ी सारे स्टोन से अटैक करने लगता है फेरी मैजिक यूज करके, और सारे स्टोन से वह आसानी से डॉच करने लगता है, लेकिन वह देखता है सब मेंडल पर अटैक होंगे इसीलिए सबको ब्लॉक कर लेता है और हिट नहीं होने देता है। जिसके बाद आसानी से मेंडल उसके पास आता है और उसको किक से अटैक करते हुए कहता है वह सच में एक यूजलेस डरपोक है जो इस तरह से अपने सारे फ्रेंड्स को इस तरह से छोड़कर जा रहा है और अकेले खतरे फाइट करने जा रहा है। तो वह कहता है भाई उसका कोई फ्रेंड नहीं है, वह तो बस उसको एक जंगल में मिल गया था, हम लोग इस्तफाक से मिले थे, तो हम कोई फ्रेंड या फिर करीबी नहीं कह सकते हैं। लेकिन मेंडल कहता है वह इतना कुछ कर चुका है, उसके लिए इतनी सारी हेल्प की, इसीलिए वह इतनी ज़्यादा टाइम बिताने के बाद उसको एक असली फ्रेंड के तौर पर मान चुका है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता या फिर नहीं पता कि अगर तुम मुझे किस तरह से मानते हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे कॉमरेड के तौर पर भी काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ, लेकिन मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा जिससे कि मैं तुम्हारे कॉमरेड बन सकूँ और तुम्हारे आसपास में स्ट्रॉन्ग तो बने सकूँ। यह बात सुनकर तो बिल काफ़ी ज़्यादा ही इमोशनल हो जाता है और वह हाथ बढ़ाता है मेंडल उसको उठाने के लिए, तो वही मान जाता है और अब दोनों लोग ही हैप्पीली साथ में होते हैं, मतलब साथ में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं फाइट के लिए भी। और इस तरह से नाइट में कुछ टाइम मूड को देखते हैं और कुछ टाइम मतलब टाइम स्पेंड करते हैं और वापस आ जाते हैं। सारे लोग उनका वेट कर रहे होते हैं और दोनों लोग देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। फिर वो बैठे होते हैं, सारी सिचुएशन बताई जाती है लेव स्टेव के लिए कि आखिर क्या हुआ था। तो वह कहता है इस तरह से तुम्हारे एक बेवकूफ़ी वाला फैसला था और सच में तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पास में मेंडल जैसे एक फ्रेंड है जो कि तुम्हें खतरे में किसी में नहीं जाने देता, वरना तुम काफ़ी बड़े खतरे में पड़ सकते थे। वह कहता है माफ़ करना, अभी मेरा दिमाग बिल्कुल ठिकाने पर और मैं थोड़ा शांत दिमाग से अब सोच रहा हूँ, हम लोग साथ में मिलकर फाइट करने वाले। मेंडल कहता तो फिर तैयार है ना सब लोग, हम उस बीस्ट को खत्म कर देंगे काइमेरा के लिए और सारी आर्मी को भी। मैं सामने तरफ जाता हूँ, सभी लोगों को मोटिवेट करते हुए कहता है कि स्पीच देते हुए तुम सभी लोग फाइट के तैयार हो जाओ, हम लोग फाइट करने वाले सारे डीमंस को हराएंगे, जो जैसा कंट्रीब्यूशन करेगा उसके अकॉर्डिंग में ज़्यादा उनको इनाम दूंगा, गोल्ड कॉइंस भी दे जाएंगे जो ज़्यादा डिगन मारेगा। सब लोग अपनी पूरी प्लानिंग करते हैं रात में और नेक्स्ट डे सुबह टाइम निकल पड़ते हैं कुछ प्रिस्ट के साथ में। भी सभी लोगों का काम होता है उन सभी को ब्लेसिंग देना और उनकी पावर को बढ़ाए रखना, यानी वो बूस्ट का काम करते हैं। सभी प्रिस्ट कहते हैं तुम लोग पीछे साइड से हमको बूस्ट करते रहना, हम लोग साइड से वॉरियर्स आएंगे सामने फाइट करेंगे। सब लोग तैयार होते हैं और वैली में पहले थोड़ा स्टेप पीछे होते हैं जिससे कि सामने से डायरेक्ट फाइट हो सके, पिछली बार की तरह गिर ना जा सके। सब लोग सामने तक जाते हैं अटैक करने के लिए और अपने कुछ एरोज से वो लोग होते हैं एरो से अटैक कर रहे होते हैं। बिल भी यूज करता है अपनी इम्यूनिटी वाला एंड पॉइजन इम्यूनिटी जिससे कि सब लोगों के ऊपर पॉइजन का असर ना हो। सब लोग होते हैं उन डीमंस के साथ में करके फाइट कर रहे होते हैं। बिल सोचने लगता है उन सभी डीमंस के साथ में लोगों को फाइट करते हुए देखकर कि बड़ी अचीवमेंट के लिए एक टीम मेट की जरूरत पड़ती है एंड एक टीम की जरूरत पड़ती है, तभी बड़ी अचीवमेंट को हासिल किया जा सकता है। अकेले सच में एक पागलपन होता है इस तरह से डीमंस से फाइट करना। फिर सभी लोग होते हैं आगे तरफ फाइट करते हैं, निकल पड़ते हैं और वे पहुंच जाते हैं एक जगह पर जहाँ पर कि वह काइमेरा यानी डीमन का जो लीडर है उनसे मिल सके। अचानक से रुकते हुए और वे पीछे को मेंडल करते हुए कहता है यहाँ पर कुछ गड़बड़, और ये कहकर अपनी कुछ मैजिकल इंचांटमेंट बोलता है जिससे कि सामने ये काइमेरा खड़ा होता है जो कि इनविजुअल होता है, यानी वह उसका वेट कर रहा था नेक आगे बढ़े थोड़े से भी और वह खत्म कर दे। वह समझ जाता है कि अब इनविजुअल नहीं रहा इसलिए अटैक इनके सामने बढ़ने लगता है और एक क्लॉ से अटैक कर देता है जिससे कि दोनों के बारे में खत्म कर सके, लेकिन उसको ब्लॉक करके पीछे जाता है और अपने स्पेयर से अटैक कर देता है लॉयन के हेड पर तीनों हेड में से। आखिरकार वह भी अपने ड्रैगन बीन्स के साथ में जंप कर देता है हवा में और उड़ जाता है, और जैसे ही अटैक करता है मेंडल के ऊपर अपने मैजिकल एयर से तो इसको आसानी से ब्लॉक कर लेता है। इधर बिल भी अपनी मैजिकल शील्ड से उसके सब अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। मेंडल अपनी स्टोन अटैक से अटैक करता है जैसे डिस्ट्रैक्ट होता है तो उसके बेली में जाकर अटैक कर देता है बिल भी, तभी थोड़ा पीछे तरफ हटने लगता है, सोचता है उनको उसको खत्म करने के लिए हमें तीनों हेडेड को एक बार में खत्म करना होगा, इसलिए मेंडल अटैक कर देता है गॉट की आंख में। तो वह अपने स्पीड से अटैक कर देता है गॉट के हेड पर जिससे कि एक तो मूड खत्म हो जाता है। फिर दोबारा से अटैक करने लगा होता है रोर करके, जो कि ड्रैगन ने भी इस पॉइजन टाइप एक स्पेल से यूज किया था उस बैरियर को तोड़ने के लिए, लेकिन मेंडल उसके पास आ जाता है। तो बिल कहता है ये बहुत ज़्यादा पॉइजन काफ़ी खतरनाक है, तो पीछे रहना चाहिए, और वैसे बिल तो हर प्रकार के पॉइजन से पूरी तरह से इम्यून होता है इसलिए आगे तक जाने लगता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे भी क्लॉ से अटैक करता है वह डॉच करता है, वह अपने ड्रैगन बीट से अटैक करता है इसको ब्लॉक करता है। मेंडल तभी अपनी स्टोन का अटैक करता है जिससे कि वह हवा में जंप कर देता है पर गिर जाता है, कोई को संभाल नहीं पाता, लेकिन वह
एक स्पीयर से उसको ड्रैगन के सिर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, केवल अब लॉयन सिर बचा होता है। जैसे अटैक करता है जंप कर देता है, ऊपर जंप से आकर सीधा उसके लॉयन हेड होता है उसके ऊपर अटैक करता है, जिसके बाद वह आखिरकार काइमेरा को हरा देते हैं और वो लोग वापस चले आते हैं और पहुंच जाते हैं वहाँ से चर्च में। यानी दो लोग जब जाकर देखते हैं जिसके लीडर को भी मार सके उनका मेन लीडर, लेकिन देखते हैं अरिस्टोब ने पहले उनका लीडर को भी चर्च में खत्म कर दिया होता है, जिससे कि अब सब कुछ फाइट खत्म हो चुकी होती है। वापस आते हैं, काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल होता है, इस तरह से उनके सारे जो डीमंस होते हैं यहाँ पर खत्म हो चुके होते हैं बीस्टवुड में। यहाँ पर सभी लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं और वे लोग एक चट्टान पर खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं कि सच में विलेज कितने ज़्यादा पीसफुल है, कितने डेवलपमेंट कर रहा है। तो मेंडल पूछता है कि उसका नेस्ट करने का क्या प्लान है। वह कहता अभी तो उसका कोई प्लान नहीं। तो वह कहता क्यों ना तुम्हें बीस्टवुड का लॉर्ड बनना चाहिए। लेकिन वह कहता अरे तुम क्या कह रहे हो, मेरे पास ना कोई फाइनेंस ना कोई मनी है, आखिर मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं एक न्यू भी और एक नोबड़ा हूँ और क्या हूँ। वह कहने लगता है अरे तुम समझ नहीं रहे हो, तुम इतना स्ट्रांग हो, तुमने इस विलेज को इस्टेब्लिश में इतनी हेल्प किया कि फाइनेंस वगैरह सब कुछ हेल्प की, इसीलिए तुम एक अच्छे एक वर्दी हो जो कि तुम एक बीस्टवुड के अवरी जंगल के लॉर्ड बन सकती हो। और वैसे ही तुम तो एक मैजिकल नाइट हो ना, जिसको किंग की मतलब प्रिंस एथल की तरफ से अथॉरिटी मिली हुई है, इसे उसके बारे में सोचना चाहिए, तुम इसके लिए परफेक्ट हो इस पूरे आगे को डेवलपमेंट करने के लिए। मैं सोचने लगता हाँ शायद उसके पेरेंट्स होते तो क्या सच में वे ऐसा ही करते या फिर वह क्या करते, मतलब उसके ऊपर भी ये जिम्मेदारियाँ आ गई और इन जिम्मेदारियों को शायद अब उसको उठाना ही पड़ेगा उसके पेरेंट्स की तरह ही। इसके पास में यही रास्ता है, जो उसने किया है या फिर जो बनाया उसको उसे प्रोटेक्ट भी करना होगा, इसलिए वे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। तो मेंडल कहता है तुम सच में एक काफ़ी अच्छे लॉर्ड बनने वाले हो आगे फ्यूचर में। और वे लोग साथ ही वहाँ से निकल पड़ते हैं और जो लोग मर गए होते हैं इस बैटल के दौरान उनकी ग्रेव्स को वह लास्ट बाय करते हैं, उनको शांति के लिए प्रे करते हैं। इसके साथ में CN1 होता है, सीरीज कहीं पर एंड होता है। इस तरह की काफ़ी और भी न्यू सीरीज हैं अपलोडेड हैं, जो इससे पहले सीरीज आ रही हुई काफ़ी ओपी, आपको एक बार चेकआउट करनी चाहिए। और आप लोग सब्सक्राइब कम कर रहे हो, सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक भी कर देना चाहिए, ऐसी सीरीज तो आती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।